आ रही है। हेलो शिखा जी। हेलो मुस्कान ना। नहीं, जसविंदर जोशी ओ बोल रही। ओ हेलो। और आप ठीक हो? हाँ जी, अमन का तो बीच में बहुत मूड ऑफ हो गया था। अब अमन ठीक हो आप? अरे मूड थोड़े टाइम के लिए ऑफ होता है, फिर ठीक हो जाता है। अमन मेरे को ना बस यही कहना है कि अभी जैसे जस्सी जी बोल रही थी ना, बिल्कुल ठीक बोल रही थी। मैं तो बस हेटर्स के लिए यही बोलना चाहूंगी कि वो गॉड, वो भगवान जी से परेशान है कि आपने हमें क्यों बनाया। तो वो अपनी जितनी कुंदा कहना वो यही निकालते हैं, क्योंकि उनके पास ये कोई तो काम नहीं है। सीरियसली में सही बता रही एग्जैक्टली हूँ। सही वो बोला भगवान को बिल्कुल। बोल रहे भगवान को भी, सारे होंगे। भगवान को भी बोलते होंगे कि भगवान आपने हमें बनाया ही क्यों है, क्यों ही हमें बनाया, क्या है हमारा मकसद इस दुनिया में आने का, क्या मतलब कि चीज़। इतने प्यारे प्यारे मोमेंट्स सिद्धार्थ ने हमें दिए हैं, तब भी अगर उन मंद बुद्धि बोलूंगी मैं तो नहीं कि नहीं समझ में आ रहा तो क्या कर सकते। भगवान नहीं अब समझा उनको नहीं पाए मिले तो हम ना, वही तो, उनको वो मोमेंट नहीं मिले ना, इसलिए इससे वो कहते कि ना हम, ना हमारे पास है, ना हम किसी के पास रहने देंगे, वो ये सोचते हैं। और वो बहुत बड़ी मिस्टेक में, वो कहते हैं ना, भ्रम है उनका एक बहुत बड़ा कि भाई ये लोग ऐसे कर लेंगे तो उनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है। बड़े जैसे तुम उनके सीरियसली रिश्तेदार लगे हुए हो ना, आजकल रिश्तेदारों से भी फर्क नहीं पड़ता, वही उनसे भी तो। फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। तो ये तो पता नहीं, जिनको देखा नहीं, जिनका कोई खुद की आईडी से तो हिम्मत है नहीं आके बोलने की, अपनी पता नहीं कौन कौन सी आईडीज बना के आ जाते हैं और फिर बकवास करना शुरू करते हैं, मैं तो तो इनको सिर्फ लगता है कि इनसे। एक ही मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी उन सबको, गेट वेल सून बस। और इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि वो भी मेरे को लगता है कोई नहीं बचा सकता उनको। सही में सीरियसली में जब मैं देखती हूँ ना इनका, मतलब कुछ भी, मैं ये सोचती हूँ इतने वेल्ले हैं, मतलब कि अपनी जिंदगी से थक चुकी हैं। लोगों के पास कितने काम है, हमारे पास इतने चीजें हैं एंजॉय करने के लिए, उनके इतने प्यारे प्यारे क्यूट मोमेंट्स हैं, हम इतना सोचते हैं, हाँ हम इतनी बातें सीरियसली, करते हैं, और ये इतने वेल्ले हैं कि बस यही करते रहते हैं सारा दिन। पता है अभी हाँ क्या हुआ थोड़े दिन पहले ना, मतलब जी। मेरा ना काम का मतलब स्ट्रेस इतना बढ़ गया मेरे को, एक तो ना फिर मैंने वो देखा और ऊपर से ना किसी ने कमेंट किया हुआ, कोई एक ही बंदा था और अच्छा। एक ही आईडी पे जाके ना कितने सारे पोस्ट पे ना कमेंट कर रहा। मैंने उसे जाके बोला, मैंने कहा देख भाई तेरे पास है 24 घंटे से ज्यादा पूरे दिन में, तेरे पास मेरे को लगता है तुझे मिलते 30 घंटे और मेरे पास 24 घंटे, 24 घंटे भी कम पड़ जाते, तो एक काम कर, काम बांटते, चल तू आ, मैं तुझे जॉब दे दिलवाती हूँ, तू इतनी नेगेटिविटी मत कर, इतना करके सीरियसली क्या ही में कर लेगा तू। तो भाई तुम ऐसे, तुम वैसे, तुम वो, तुम बेशर्म हो। मैंने कहा आ चल तू मेरे सामने आ, तुझे मैं बताती हूँ, पहले अपनी रियल आईडी से आ, तू है कौन पहले ये बता, और हिम्मत है तो एड्रेस दे अपना, फिर हम वहां यार फेस टू फेस बात करते हैं। वही तो। अगर देखो हर कोई परफेक्ट होता तो सब भगवान नहीं बन जाते। हाँ मतलब वही तो, अपने आप को तो सब ऐसे समझते हैं कि हम तो बहुत ही अच्छे हैं। मैं तो उनको ये बोलूंगी, जो इतने अच्छे अच्छे विचार है ना, ये जो अच्छे अच्छे विचार है, सामने आके बोलो, सामने फेस हाँ टू फेस बोलो, फिर पता चलेगा। वो करना नहीं है ना, वो तो हिम्मत नहीं है उसमें, तो कि वो है कि भाई सामने आ गए तो भाई क्या है। इनको ये नहीं पता कि अगर इनको कोई भी, आज तो इतनी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है कि अगर पता करना चाहे कोई भी सेलिब्रिटी या कोई भी, इवन हाँ अगर हमें जी भी कोई परेशान कर रहा है, अगर हम कुछ भी उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहे तो हम बहुत इजीली ले सकते हैं और बहुत इजीली पकड़े भी जाएंगे। बट इन लोगों को वही है ना कि क्या ही एक्चुअल में बोले इन पता है क्या लोगों है, मैं आपको सीरियसली बताऊं, ये सब ना हम सिडनाजियन से ना डरते हैं, क्योंकि हम इतने पावरफुल है ना, उन्हें पता है कि ने। अगर हमारे प्रिंस एंड प्रिंसेस को कोई कुछ भी कहेगा उखाड़ के फेंक देंगे। इनको पता नहीं है ना हम सीरियसली में लोग हैं पता क्या। नहीं है। और वैसे भी ना ये चीज होनी चाहिए, मैं तो मानती हूँ होनी चाहिए, ताकि हम लोग फिर इकट्ठे हो सकते हैं ना, फिर हम लोग जवाब दे स्टार्टिंग सकते हैं, और हमारा प्यार डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। में, स्टार्टिंग में मैंने देखा था कि, अब तो मैंने, खैर मैं ट्विटर पे जाती नहीं हूँ मैं तो तो मुझे इग्नोर नहीं पता मारती वो। हूँ। हाँ
बट लेकिन स्टार्टिंग में मैंने देखा था हर कोई जाता था जवाब देता था, लेकिन अब अगर मैं कमेंट्स रीड करती हूँ ना जाकर, तो वो बोलते हैं कि इन लोगों को इम्पोर्टेंस देनी क्यों है, लेट अस बी हैप्पी विद इन आवर ओन वर्ल्ड, और हमें इतना अच्छा मतलब कंटेंट मिल रहा है आफ्टर सो लॉन्ग, तो लेट्स जस्ट फोकस ऑन समथिंग ना कि हम सीरियसली उसको में. हाइप करें, है ना, उनके व्यूज बढ़ाएं, हाँ जी उनकी पोस्ट पे जाके उनको शेयर करें सबसे, तो पॉजिटिविटी फैलाओ, इनको जवाब देके तो इन्होंने तो ये तो कल भी नहीं सुधरे और आज भी नहीं और आगे कभी सुधरेंगे ही नहीं, वो एक्सपेक्ट तो ही है मत ही. करो, फेस ही मत करो। तभी तो मैंने कहा है कि ये लोग खुद भगवान जी से इतने गुस्सा हैं तो क्या कर सकते हैं. मैं तो बस ये बोलती हूँ कि स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड अवॉइड दिस काइंड ऑफ नेगेटिविटी. बस सीरियसली मैं. अच्छा, एग्जैक्ट अच्छे अच्छे वुमेन्स के बारे में बात करते हैं. आपने वो डांस दीवाने का देखा था? पता है मैंने ना हाँ उसमें मैंने एक देखा। चीज नोटिस करी थी, जैसे सब बोल रहे थे ना वो शादी वाला लास्ट में क्यों हुआ, पता है उसमें मैंने एक चीज हाँ नोटिस करी थी. एक मेरा बड़ा, वो सिर्फ 10 सेकंड्स का ही है, आप देखना जब सिद्धार्थ डांस करते हुए आ रहा था ना उस साइड से ना, शहनाज सबसे पहले आगे आ गई थी और बाकी कोई आया ही नहीं था. और शहनाज पीछे देखते कि मैं कुछ ज्यादा ही आके आ गई हूँ, इतना ज्यादा मीन्स अट्रैक्ट हो चुकी हूँ. वो फटाफट गई और उसने पीछे देखा कि ओ, और सिद्धार्थ ने भी देखा कि मैं भी कुछ ज्यादा आगे आ गया हूँ. पता है मैंने ये नोटिस किया, मैंने ये क्लिप, इसी क्लिप को मैं बार बार देखती रहती हूँ. मैंने कहा यार ये कितना क्यूट मोमेंट था, लेकिन चल कोई नहीं, हमने देख तो लिया ना, मुझे इस बात की खुशी. शहनाज फटाफट से वरमाला लेके आ गया, आ जाती हूँ. मैंने कहा यार ये देखो ये क्या हो रहा वो कर रहे होंगे प्रैक्टिस कि चलो हम भी एक बार करके देखते बड़ा हैं, हम भी करते प्यारा. क्योंकि उनका ध्यान आपस में एक दूसरे में था सीरियसली इसीलिए में. भूल ही गए थे कहाँ खड़े हैं। हाय मुस्कान. हाय शिखा जी। हेलो. मैं तो सच में, मैंने कहा ये क्या है, दोनों एक दूसरे में. और जब वो फेरे ले रहे थे तब भी दोनों एक दूसरे को कर रहे थे, क्योंकि मैंने ना इंस्टाग्राम पे एक किसी ने रील डाल ली थी, या मतलब कि बीटीएस डाला था या क्या था मुझे पता नहीं है. तो उसमें ना सिर्फ फर्स्ट और लास्ट एपिसोड, फर्स्ट फेरा और लास्ट का फेरा दिखाया, लेकिन जितने भी फेरे हुए थे ना उसमें हर्ष और भारती कुछ ना कुछ कमेंट्स कर रहे थे एक दूसरे को. तो उसमें देखा था मैंने कि सिद्धार्थ शहनाज को देखता है और शहनाज भी देख रही होती है, मतलब कि उसके दोनों हैंड्स फोल्ड होते हैं और वो उसकी तरफ देख रही होती है और वो उसकी तरफ. मैंने कहा बंदे, दोनों की आपस में आंखों आंखों में बातें हो रही है, हम ऐसे करेंगे, हम ये करेंगे. मैंने कहा अपने फ्यूचर वेडिंग सोच रहे होंगे. हो गए होंगे ना वो दोनों उस टाइम पे कि ऐसे हो रहा है, चलो एक बार हमारा भी होने वाला है ऐसे। मेरे को तो वो पीयूष वाला सबसे बेस्ट लगा था, सबसे हाँ बेस्ट. बहुत अच्छा था अमेजिंग था पीयूष का यार. भी तो, वो वाला एक तो आप कितनी बार मर्जी देख लो ना आप बोर नहीं हो सकते। इनफैक्ट पीयूष ने खुद हाँ बोला है कि ये मैंने ऑन द स्पॉट किया है, ये मैंने कुछ प्लान नहीं किया था इंटरव्यू में एक. मैं तो इतनी खुश हुई, मैंने कहा, मैं तो नाचने लग गई थी. मैंने कहा ये मोमेंट सबसे बेस्ट हुआ. क्योंकि पता है वो बोलती भी एग्जैक्टली तो थी ना कि तू हक तो रख मुझ पे, एक बारी हक तो रख. तो वो मुझे सीन याद आ गया उस टाइम पे. वैसे शहनाज की कही हुई एक एक बात प्रूफ हो रही है ना, मतलब हाँ जो जी जो उसने बोला है ना वो सब कुछ प्रूफ हो रहा है। बिल्कुल और ब्लू वही ड्रेस तो, में वो कितनी तो तब प्यारी भी लग होता रही था है ना। आजकल तो. ब्लू का हाँ कितना ट्रेंड चल गया, दोनों ने मैचिंग भी ब्लू. वाह सिंपल कमाल है. शुक्ला जी से एक्सपेक्ट नहीं था, मेरे को एक्सपेक्टेशंस नहीं थी वैसे उनसे. बहुत कहना मान रहे हैं, वेरी गुड. मैं बड़ी खुश हूँ. तो यार खुशी होती है ना, प्राउड लगता है कि हाँ हम एक्चुअली में, जो हम लोग सिद्धार्थियंस हैं, जो हम फैंस हैं, वो एक्चुअली में सही लोगों का साथ दे रहे हैं. तो मेरे को बड़ी खुशी होती है उनको हाँ देख के. ये है. एग्जैक्ट। अगर वो ऐसा ना करे तो शुक्ला जी ने घर भी तो जाना होता है ना, वहां शेरावाली माता भी तो होती है। सीरियसली में देखा नहीं था जब वो गुंजन के साथ करके आती, कैसे उसको ओह मुंह बनाती ओह है. माय गॉड एपिक. क्या लुक दी थी उसने, सही में मजा आ गया था डर देख के। डर आज भी कायम है, 2 साल बाद भी डर कायम सीरियसली है। में. इनफैक्ट माधुरी मैम ने जब पूछा कि सिद्धार्थ तुम तो मुझे पता है क्या करने थे, मैं तो आप ही को इमेजिन कर रहा था, और उसने एकदम से बोल दिया हाँ
शाम मेरी तो मैंने कही ये बंदी, और सिद्धार्थ का फेस देखने वाला था मेरे को हाँ मुझे पता कौन सा सीन याद आ गया था, जब वो गौतम गुलाटी वाला नहीं हुआ था राइट राइट मैंने कहा यार ये तो वही हो रहा है, और कितना भी बोल ले वो कि नहीं हम तो ऐसे ही जस्ट पूरे फेस पे दिख जाते हैं, उससे झूठ तो मतलब कि कितना डॉर करता है यार। शहनाज को जब शहनाज डांस कर रही थी माधुरी मैम के साथ, खड़ा होके क्लैपिंग कर रहा, मेरे को इतना अच्छा लगा ना उसको देख के, इतना क्यूट लग रहा था ना उस टाइम पे, और क्लैपिंग कर रहा और हाँ पूरी आंखें उसकी तरफ है, और तब भी बंदा कह रहा नहीं। मुझे बहुत देखा अच्छा लगा सीरियसली। था जो वो बिग बॉस वाला था, जब वो बोल रहे पंजाब ट्रिप पे गए थे, तो उसने एकदम वो बोल रही थी फ्लो फ्लो में, वो बोल जाती और इतने में एकदम से बोला नहीं मैं अकेले गया था वहां पे, ये तो अपने शूट पे मैं अकेले गया, मेरे पास टाइम था तो इसलिए मैं अकेले घूम के आया, ये मेरे साथ नहीं गई थी उसने कहा पूछ कौन रहा सर कि आपके साथ कौन था कौन नहीं, हमें हमें सब पता है, जो आप छुपाओ मत, वो बोल तो दे फ्लो फ्लो में बोल जाती, लेकिन उसको चुप कराने के लिए एकदम से बोला मैं अरे अकेला गया अगर शुक्ला जी उसको ना हो ना तो शहनाज तो पता नहीं क्या क्या बोल देगी, वो तो पूरा जूस निकाल देगी उनका। वो यही तो सोचता रहता है, वो पता है क्या सोचता है, वो क्यों देखता है अब ये क्या बोलेगी, अब मैं कैसे कवर अप करूंगा यही होता है उसका बस सीरियसली बता रही हूँ, क्योंकि देखा नहीं था जब करण सर भी पूछ रहे थे ना कि ऐसे ऐसे, वो पूरा बताने में लग गई थी, और सिद्धार्थ मतलब कि आंखों से करे बस बस बस, मेरे को तो बहुत अच्छा अच्छा नहीं, लगा था। शहनाज देखो कितनी चालाक है, जब वो शुक्ला जी करण सर को बोल रहे थे कि हाँ रिलेशनशिप है, शहनाज इशारा में बता रही है हाँ हाँ देखा था उसका ऐसा क्यूट फिगर था था, वो। बहुत मजा। मेरे को तो पता है कैसी फीलिंग आती है उन दिनों को देख के, बोल ही देती हूँ, जैसे हस्बैंड वाइफ नहीं हाँ कपल होते मिया गोल्स, बीवी हैशटैग कपल गोल्स, हैशटैग मिया बीवी सही बात है। कितने, मतलब मैंने कि कहा कसम सिद्धार्थ, कसम हाँ कसम इतना तो उन्होंने चंट छोड़ी नहीं बंद, है कोई। सच में यार वो भी सीन अच्छा था ना, जब वो उसकी पीठ को रब करता है सिद्धार्थ, वो हाय बहुत इमोशनल क्यूट पूरा, सही था। में आजकल ऐसे बंदे मिलते नहीं है, और मैं कहती हूँ कि थैंक गॉड टचवुड कि BB13 में जो भी इसने बोला ना वो सब अब इसको मिला, मैं तो बहुत खुश हूँ सबसे अच्छा लगता है मुझे, और अभी भी ना उसका चिढ़ाना बंद नहीं हुआ है, अभी भी चिढ़ाता जरूर है उसे हाँ वो जब वो वैनिटी से उतर के आई थी और एकदम से वो भी उतरा था जो हाँ दिखाते हैं बाद में, तो तब भी तो वही कर रही होती है ना, वो एकदम से उसको कुछ बोलता है हाँ वो ना, दूर हो एकदम से जाती उसको है साइड हटाता है, फिर हंसने लग जाता, फिर हंसता है उसको देख, वो भी वही है ना चिढ़ाना और वही सब मस्ती, वही चीज तो हम लोग को इतनी पसंद है ना, और यार वही देख तो रहा हूँ देखने को रियलिटी है और क्या है, आप सोचो ना वही तो रियलिटी है। इनफैक्ट लाइव में ये जितना भी कर ले, जैसे लाइव होता है हुआ था इनका, मतलब कि ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि हम तो अभी आए हैं, मतलब कि हम तो अभी मिले हैं, बस अभी आए हैं इस लाइव में, सिर्फ लाइव के पीछे हम एक दूसरे के, मतलब कि मेरे घर पर आई है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि इनकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बता देती है मेरे हाँ एग्जैक्ट और को पता तो है हाँ इनकी रॉनेस जी ही ना लोगों को कनेक्ट करती है, यही एसेंस है कि इतने सारा जो फैंडम है इतना ज्यादा स्प्रेड होता जा रहा है। बहुत बिल्कुल रियलिटी है ना, इसी वजह से हाँ जी रियल है। जब ये स्क्रिप्टेड वाला पार्ट होता है ना उसमें पता चल जाता है कि ये इनको स्क्रिप्ट मिली हुई है करने के लिए, है ना, और अगर जब नेचुरल होता है वो नेचुरल दिखता है उसमें कि हाँ यार ये नेचुरली हो रहा है, और उससे ना इमीडिएटली हम लोग कनेक्ट कर जाते हैं। मैंने तो जब वो आया था ना बिग बॉस OTT वाला, द वे दे मतलब द मोमेंट दे एंटर्ड, और जिस तरीके से सारा वो ऐसे लग रहा था ना कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली होता जा रहा है, एक के बाद हाँ एक कंटेंट एक के बाद एक कंटेंट, मेरे जी फेस से स्माइल ही नहीं हट रही थी, मैं इतनी हाँ मतलब ऐसे लग रहा था यार अपने किसी के साथ ना ये मतलब लाइव कुछ ऐसा वो देख रहे हैं कि जैसे ना
ये सब चीजें ना मतलब वही इतना इजीली हमें देखने को मिलती नहीं है ना, फेरी टेल्स काइंड ऑफ, जैसे सिंड्रेला वैसा सीरियसली काइंड में ऑफ, वही स्नो ये वाइट चीजें जैसी ना हमने स्टोरी, वैसी देखी है। हाँ कि ऐसे हमने सिर्फ वही देखी है कि यार ये वही वही तो। हो सकता है, बट जब सामने होते हुए देखो तो ओ माय गॉड, इट वाज लाइक यार ऐसे फील होता है ना अंदर से, पता नहीं कुछ बटरफ्लाई भी स्टमक में एकदम ऊपर से से उड़ पता गए ही कि क्या है, यार। इतने रियल है ना ये दोनों, इतने रियल है ना कि हमें ना इनके छोटे छोटे मोमेंट्स भी ना दिल को छू जाते हैं। जैसे ये फैंस से भी मिलते हैं, अब जैसे सना उस दिन अपनी फैन से मिली तो गाड़ी में से उतर के उसने बोला यू वांट फोटो, तो कैसे फटाफट से हाँ फोटो क्लिक करवाने के लिए, मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी हम्बल है वो। और इनफैक्ट सिद्धार्थ भी, मतलब कि वो उनको देख के लगता ही नहीं है कि उनके फेस पे कुछ ऐसा गुरूर होगा या कुछ वो होगा कि दैट वी आर सेलिब्रिटी, तभी तो हम लोग इतने हाँ कनेक्टेड है, क्योंकि उनका दिल साफ है ना और उस चीज को हम लोग पहचानते हैं। तो अब भाई मूरख तो मूरख ही है, तो उनकी तो बात ही छोड़ो। हाँ जी आप बोलो फिर। वही कि सेलिब्रिटी हमने इतने देखे हैं ना यार, कि इतना डाउन टू अर्थ, मतलब कि अपने फैंस के साथ में। अब वो देखो जैसे अभी आप बोल रहे हो कि गाड़ी से उतर के आना, और यहाँ पे हम देखते हैं कि इतना रोज मतलब किसी ना कोई पैप हो जाता है ना, वो उनको भी सीरियसली में इतना इग्नोर करके चलते हैं, बस दूर से हाथ हिलाया और चल दिए। भाई तुम्हें वो, मेरे हिसाब से जो मैं सोचती यार वो तो ये कि एक तो तुम्हें वो आ रहे है ना, इम्पोर्टेंस जी मिल रही है आपको, तो आप उनको 2 मिनट खड़े होके वो आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि प्लीज दे दो वीडियो, एक शॉट दे दो, एक ही ऐसे खड़े हो जाओ प्लीज, ऐसे वो इग्नोर करते हुए जाते हैं। बट इन लोगों के साथ देख लो वो स्पेशली खड़े होते हैं है ना, कितनी देर खड़े रहेंगे, फिर मस्ती भी करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। जिस तरीके से शहनाज ने एकदम से चेंज कर दिया ना उसको, उसके बाद तो कितने लोगों ने उसको फॉलो करने की कोशिश करी है, कि भाई जिस तरीके से वो नेचुरल करती है ना, जो भी उसका सीरियसली में करने का तरीका है वो नेचुरल है उसका, वो अपने आप ही आ जाता है, उसको कुछ हाँ करने जी की जरूरत नहीं है, वो जैसी है वही दिखा रही है। तो वो चीज का तभी तो हम लोग और भी कनेक्ट करें ना, नहीं यार ये तो असलियत मतलब को रियल लाइफ में भी यार ये तो इतने मतलब हम्बल है, इतने डाउन टू अर्थ है। नहीं तो शहनाज की जो आज के टाइम पे इम्पोर्टेंस है, और वो भी बिना कुछ इतना काम किए है ना, सिर्फ आपने एक ही बिग बॉस में आए हो उसके हाँ बाद में जी आपको इतना फेम मिल गया है, टचवुड की हमेशा बना रहे, बट लेकिन कई सीरियसली लोगों को इतना काम करने के बाद भी वो फेम नहीं मिल पाता जो शहनाज ने गेन किया है ना, वही एंड तो। जस्ट बाय शोइंग हर रियलिटी रियल साइड। और वो अभी तक है, मतलब पहले अब ये नहीं कोई कह सकता कि यार ये तो उस शो के लिए उसने किया है ना, जो कहने हाँ वाले जी अभी भी हैं जो हैं जिनको, उनके ऊपर तो खैर हमें बात ही नहीं करनी चाहिए, बट लेकिन किसी के मन में अगर कोई एक नॉर्मल एक्चुअल में जो शहनाज का फैन होगा ना, अगर उसके मन में जरा सा भी डाउट होगा कि नहीं यार ये हो सकता है इसने बिग बॉस में वैसा किया होगा, लेकिन आज अगर आप देखोगे शहनाज वही है 2 साल बाद भी जो हमने उसको बिग बॉस में देखा है देखा ना, नहीं है सेम सेम करण, टाइप हाँ है। जी करण जौहर हाँ सर, इनफैक्ट माधुरी मैम, दोनों ने एक ही बात बोली कि शहनाज चेंज मत होना, दोनों ने ये बात बोली है। इट मींस उन्हें कुछ दिखा है तभी तो उन्होंने बोला है। उन्होंने एग्जैक्टली करण जौहर सर ना इतना एंजॉय किया ना सना के साथ, और उस टाइम पे सिद्धार्थ को भी देखते कितना प्राउड वो फील कर रहा था ना, कि जब वो हो रहा था तोड़ा कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता, कैसे डांस कर रहे थे करण जौहर, मतलब वो खुद चाहते थे कि ये मुझे बुलाए, और उसने बोला ना अरे ऐसे एग्जैक्ट सर्कल बना के डांस करो, वो भी शुरू हो गए, वो 1 मिनट के लिए भूल गए कि अरे मैं होस्ट हूँ वो भी खुश हो गए और वो भी करने लग गए। और नहीं माधुरी तो मैम इतनी भी, आसानी मानता नहीं है ना, इतनी हाँ आसानी से वो मतलब जिस मानते तरीके नहीं की है। उसकी पर्सनालिटी है, तो हाँ वो जी इतना कोई वो बहुत एटीट्यूड में रहता है, उसको मैंने देखा है हाँ कि भाई जी, ठीक है जो उसके लेकिन फिर क्लोज भी दोस्त हैं उन्होंने उसके किया, साथ ये बहुत बड़ी बात है, इट मींस उनको बहुत अच्छा बड़ी लगा ना। और माधुरी मैम ने भी देखा नहीं कैसे हाई फाई दिया था जब शहनाज मिली हाँ थी, और मतलब कि माधुरी मैम ने उसके साथ, मतलब कि वो घूम रही है और माधुरी मैम भी उसको देख रही है, और जब हाँ वो गिर गई माधुरी मैम ने एकदम से बोला अरे संभाल के, मींस मैं ये कह रही थी कि उनको अभी मिली है वो जस्ट, और उनको इतना लगाव हो गया, और जैसे वो रो रही होती है अपनी मम्मा का बता रही है, तो कितने ध्यान से, इनफैक्ट तीनों ही जजेस जो, चाहे वो तुषार सर हो या धर्मेश हो फिर माधुरी मैम हो,
तीनों कितने ध्यान से सुन रहे थे उसकी बात, और यार वो सच में रियलिटी थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी था, क्योंकि हम लोग भी ऐसे बात करते ही हैं यार, जब हम भी बाहर होते तो दिखाओ ये क्या कर रहे हो, तो मुझे कुछ वो फेक नहीं बिल्कुल लगता, नहीं पता फेक तो यार अगर है। बोलो हाँ जी, वो तो हाँ जी, बहुत बोलो अच्छी। बोलो। नहीं नहीं बोलो बोलो आप। ये जो मतलब शहनाज का रॉ नेचर है ना, ये इंडस्ट्री के लिए ना न्यू है, क्योंकि हाँ अगर आपने देखा हो बिग बॉस 13 में भी सलमान सर ने बोला था ना कनेक्शन वीक में कि ये यूनिक है और बहुत अच्छी भी है। तो जो सेलिब्स हैं वो ये चीज इसके अंदर देखते हैं ना कि इतना फेमस होने के बाद भी ये वैसी की वैसी है 2 साल बाद, तो ये चीज है ना उनको क्लिक कर जाती है, क्योंकि उनका तो वैसे भी सेलिब्रिटीज के साथ उठना बैठना होता ही है, सबको पता होता है कि एग्जैक्टली सेलिब्रिटीज के अंदर की रियलिटी क्या है, तो इसलिए वो हमेशा मतलब जो भी मिलता है शहनाज को यही बोलता है कि तू ऐसी ही रही हो, मतलब चेंज मत हो जाइयो, क्योंकि सही यही में चीजें एग्जैक्टली। सबको कनेक्ट करती है। इनफैक्ट कैन तो और देखो ना, कैन तो पूरा फैमिली बन चुका है शहनाज के लिए। मुझे बहुत अच्छी लगती है उन दोनों की बॉन्डिंग, वीडियो बनाती हैं, और मींस वो कभी बुरा, मतलब बुरा क्या मींस, वो हमेशा उसको ऐसे लगता है कि वो खुश रहे। कैन भी उसको अपनी एज अ सिस्टर ही मानता है, मेरे को इतना अच्छा लगता है ना, केन बहुत पैम्पर करता है शहनाज को। बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है हाँ देख के, कि मीन जैसे शहबाज बिल्कुल है हंसी मजाक करता है ना, तो कैन भी पूरा उसके साथ वैसे ही गेम्स वगैरह खेलना, देखा नहीं था जब वो एक उसने वीडियो डाली थी, वो तो खैर डिलीट कर दी थी, कि जब वो क्या कर रही होती है मीन्स कंचे जैसे हम खेलते होते हैं, तो वो भी कागज के बॉल से कुछ खेल रही होती है, और इनफैक्ट कैन ही होता है, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो भी। कितनी क्यूट लग रही थी वाले में, जैसे हाँ कोई छोटा सा बच्चा कुछ हाँ खेल, मेरे को बहुत क्यूट लगी थी उसमें वो, कि मुझे जिस भी तरीके से उसको हंसी एकदम से, और वो पहले मारा उसने उसको एकदम से, कोशिश करी कि लग जाए और फिर एकदम से हंसी, कितनी क्यूट लग रही थी वो देखे, वो बहुत। तो मैंने कितनी बार देखी थी कॉन्टिन्यूसली। हाँ, और एक वो भी तो था ना कि जब ये कैन अभी जो वीडियो आई थी बिहाइंड द सीन, जो भी OTT वाले में शहनाज ने डाल दी, हेलो नमस्ते हम सब समझते, वो हाँ भी बड़ा बहुत अच्छा अच्छा था। था एग्जैक्टली। मेरे को बहुत अच्छा लगा था कैन का, मैंने कहा यार ये भी इनके रंग में रंग चुके। इनफैक्ट वो जो पीछे फाउंडर मेकअप आर्टिस्ट था, उसने शहनाज को बोला आई लाइक यू, आई लाइक यू, शहनाज के ओ थैंक यू डार्लिंग। बोलता तो ऐसे, दांत सबकी जान बन चुकी है ये पता है घर में भी ऐसे ही रौनक लगाती होगी। उसने बताया नहीं कि बताती थी ना वो कि मेरी मम्मी भी ऐसी है जैसी मैं हूँ ना, अच्छा मेरी मम्मी पढ़ के देख के लगता नहीं है ना, क्योंकि कितनी मम्मी स्वीट बहुत है। शानदार से रहती है। हाँ तो कहती मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती है, वो स्टार्टिंग में जब उसके साथ में बैठी होती है हाँ जी, हाँ सिद्धार्थ जी, डे के साथ में, अच्छा स्टार्टिंग में अच्छा हाँ जब जी, बता रही होती है कि भाई मेरी फैमिली में भी सब ऐसी है, मेरी मम्मी भी ऐसी ही करती थी, तो करती है इनफैक्ट अभी भी, हाँ तो मेरे अंदर वो क्वालिटीज उनसे आई है, ऐसे उसने पर बोला था उस टाइम पर। एक्चुअली पता तो क्या, उसके साथ ये दोनों मतलब शहबाज हो गया शहनाज हो गई, ये कैमरा फ्रेंडली है, पर उनकी मदर नहीं है हाँ ना, हो सकता है घर में वो भी ऐसी हो, पर कैमरा हाँ देख के जी, सार कोई शाय हो वो जाता है। पंजाबी में बोलते हैं ना, उनको हिंदी नहीं आती ना, एक तो हाँ ये भी तो एक बेचारा वो था ना कॉन्शियस हो कि जाते वो चीज होंगे। से हाँ इंटरेक्ट नहीं कर पाती ना वो ज्यादा, उन्होंने तब भी जब वो आई थी वो फीफा फूज वाली जब इंटरव्यू लेने गई थी, हाँ जी, तो उस तब भी टाइम पे नर्वस भी हो रही उसने सारा होगी। पंजाबी में, हाँ वो पंजाबी में ही बात कर रहे थे वो, अरे देखा नहीं और था जब इमोशंस सलमान सर दिखाऊंगी। के साथ बात हुई थी, तो सलमान सर को वो उसने किस्सा बताया था कि मम्मी का इंटरव्यू हाँ लेने आए, नहीं सॉरी, सिद्धार्थ को बताया था कि पूरा इंटरव्यू दे दे, और बाद में बोलते ये डालना सलमान मत सर था। को भी बताया, सलमान सर हाँ को भी बताया था। अब वही आप सोचो ये चीज कि उसकी मम्मी कितनी फनी होगी कि वो क्या बोल रही है, तो। पूरा इंटरव्यू दे दिया, और इंटरव्यू देने के बाद वो काम वाली मैं तो नहीं काम वाली हूँ, सोचो कि उनके घर में उसकी मम्मी ने ऐसे बोला है ना, अरे उसकी इंटरव्यू दे दादी दिया भी सब बड़ी की। जॉली है, शहबाज ने वीडियो नहीं हाँ डाली थी अपनी दादी की, कितनी जॉली है वो भी। हाँ पर वही इसकी दादी बहुत स्ट्रांग लेडी है, जैसे उन्होंने इंटरव्यू दिया था फीफा फूज वालों को कि मेरी अच्छा पोती शेरनी आ शेरनी, मतलब बहुत अच्छा, क्यूट। मतलब जैसे एक सॉलिड वुमेन होती है ना, बहुत हाँ अच्छा लगा जी था मुझे। मुझे भी बहुत अच्छा यार, दादी तो होती प्यारी है, मतलब कि ऑब्वियसली सीरियसली ये तो बात फैक्ट है। मैं तो वही देख रही थी कि मींस
शहनाज को जितना लोगों ने नीचे गिराया ना, उसने अपनी आवाज मतलब कि अपने काम से इतना अपने ऊपर उठाया कि वो लोग उसकी जगह ले भी नहीं सकते। कहते हैं ना, एक्शन एग्जैक्टली स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, वो शहनाज ने करके दिखाया। उसने हमें ये सिखाया कि सेल्फ लव क्या होता है, क्योंकि एक बार हाँ याद नहीं सर है जब मोमो ने पूछा था कि तू अपने आप में क्या कहती हो, कहती अपने आप में क्या करती हो, बाबा जी ने सबको बनाया है और ये भी सिखाया कि अपने आप से प्यार करो। तो वो मुझे अच्छा लगा कि उसको वो अपने आप से प्यार करती है, वो मुझे अच्छा एक्चुअली लगता है। ना, वो मीन्स जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी में बहुत बिलीव करती है, उनके कस्टम्स को हाँ बहुत ज्यादा फॉलो करती है, तो इसलिए ना उसके मन में ना एक शांति है। जो मतलब जो गॉड लवर होते हैं ना, उनके अंदर ना बहुत ज्यादा कामनेस होती है, तो वो चीज उसके अंदर है, इसीलिए वो बहुत हाँ ज्यादा जी, प्योर है। मेरे को ना एग्जैक्टली पता भी नहीं था वो गुरु जो वो कौन से गुरुद्वारे जी गुरुद्वारे का नाम बोलते थे ना शहीदा दादा। साहेब, शहीदा हाँ जी, साहेब। मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी ने भी बोला हाँ ये है गुरुद्वारा अमृतसर में। हाँ जी तो मैंने कहा कि देखो कितनी सही में सच्ची बोलती थी। और याद है जब एक बार सिद्धार्थ ने ये पूछा था कि तू अपने बर्थडे पे क्या करती, कहती पिंगल मारा हाँ जाती हूँ। मतलब कि उसने कितना हेलो बोला कि मैं स्नैपचैट पे स्टोरी नहीं, और इनफैक्ट उसने कभी डाली भी नहीं है, ये बात फैक्ट है। मैं भी देखती हूँ ना, उसने कोई ऐसी स्टोरी नहीं डाली कि जिसमें वो कोई कहती फिर सेवा सेवा नहीं मानी जाती ना। तो मुझे वो चीज एग्जैक्टली बहुत अच्छी लगी वहां पे, मुझे अच्छा लगा। और मुझे लगता है वहां पे तो उसने और दिल जीत लिया होगा उसका, वो तो और डूब गया होगा। सही बात है, वही सोच बिल्कुल रहा होगा, यही मेरे घर वालों के लिए सही है। बिल्कुल, क्योंकि वो भी फैमिली ओरिएंटेड और ये भी फैमिली ओरिएंटेड दोनों ही। चाहे शहनाज को भी देख एग्जैक्टली लो, वो अपने सिर्फ अपने भाई की मम्मी की पापा की या अपने वीर जी की बातें ही करती रहती थी, वो कभी गेम से रिलेटेड कोई बात नहीं करती थी। चाहे वो अब्दुल्ला के साथ भी बैठी हो या किसी के भी साथ देखी, मेरी दादी ना मुझे देख रही होगी। मुझे इतना अच्छा लगता था कि यही एक बंदी है जो अपनी फैमिली के बारे में बात करती है, या इनफैक्ट सिद्धार्थ। और वो किसी के साथ भी बैठती थी ना, वो यही बातें करती थी अपनी फैमिली से ही रिलेटेड। तो मुझे अच्छा लगता था। और मुझे पता है एक खुशी तब भी अच्छी लगी थी जब उसका बर्थडे नहीं था, जब सिद्धार्थ कहते तेरे वीर जी क्या करते हैं, मैंने कहा इटमीन्स इसको सब याद हाँ एग्जैक्टली है। बहुत नोटिस करता था वहां पे उसकी हर चीज को, तभी तो वो कहता था ना कि इसके साथ आके मुझे सब जो भी मतलब मेरा स्ट्रेस वगैरह जो गेम से रिलेटेड है हाँ बिल्कुल खत्म हो जाता, क्योंकि वो बिल्कुल ही उससे रिलेटेड, उसको उसको वैसे भी गेम से क्या मतलब था ही नहीं। और फिर भी देख लो बिना गेम में कुछ स्ट्रैटेजी बनाए या बिना कुछ किए, फिर भी देख लो क्या गेम खेल जाती थी यार मैं तो, उसका लेवल सीरियसली एग्जैक्टली बिना उसके। कुछ किए बिना हाँ कोई जी, ऐसा वो दिखाए एकदम से ही पता चल गया यार कि वो लड़की ना सीरियसली अलग ही है बिल्कुल, कि दिमाग उसके की है नहीं, और जितना उसका दिमाग था उसने तो सबको गेम सिखा दी वहां पे और खिला भी दिया, पर बिना बोले, कि उसको सीरियसली बोलने की भी मतलब दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वो क्या कर गई और इन लोगों को पता भी नहीं चला। वो तो और ये है। बोलते हैं कि लोग एक्चुअली ना यही तो सबने बात, उसको ना मतलब लाइटली लिया है, वे बिद्दू सी लड़की क्या करेगी क्या करेगी। और उसने उस चक्कर में ना अच्छी गेम खेल, मतलब गेम क्या खेली, जैसी थी वो वैसी ही रही। वैसे ही लोगों रही। ने अपनी सच्चाई बाहर नहीं आने दी ढंग से, इसने कहा जो मैं हूँ वही देखो, और वही चीज को कनेक्ट कर गई। और कुछ हाँ नहीं, बिल्कुल एपिसोड नंबर बता देती हूँ अगर लोगों को तब भी होता है, एपिसोड नंबर 16 देख ले सर, जिसमें पता चल हाँ जाएगा कि उसके अंदर कितने पेशेंस थे, कि मतलब उसको सिलेक्ट भी नहीं किया तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सीधा बोला अगर मुझे बचना होगा तो मैं बच जाऊंगी, किस्मत में होगा तो बच जाऊंगी। मुझे इतना अच्छा लगा ना वो, कि अगर ये कोई और होता तो सब तो लड़ पड़ते कि तूने क्यों नहीं बचाया, लेकिन वो बंदी सीरियसली में। इनफैक्ट पता है सिद्धार्थ को भी ये पता था ये कहीं नहीं जाने वाली, हम लोगों को उसको तो टेंशन स्टार्टिंग होती से ही पता एग्जैक्टली। था, उसको तो स्टार्टिंग से ही पता था ये कहीं नहीं जाने वाली। और तभी तो वो कितनी बार बार कहती थी तेरे को मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, तेरे को मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस क्यों है। एक तो मुझे उस सीन पे बहुत हंसी आई थी जब वो बता रही होती है कि ना बिजली गिर जाती है, सिद्धार्थ कैसे हंसता है। कहती तू हंसा क्यों।
मेरे को भी हुआ। एक तो सच्ची बात बोल रही, हमारे को भी तो मम्मी यही स्टोरी बताती थी बचपन में कि हाँ, मामा के साथ खड़े हो जाओगे तो बिजली गिरेगी। और वैसे भी ना ये टाउन टाउन जैसी जगह पे ना ये सब बातें ना बहुत फैली होती है, और जो सिट मतलब जो ये सिटीज में होते हैं ना उनको ये बातें फनी लगती है, वो सेम वही हो हाँ, रहा था। पर उसने सच बोला था। पता है मेरी मम्मी, मेरी हाँ मम्मी क्या चाहे मेरी मासी हो, अब जैसे हम लोग जाते हैं बिल्ली रास्ता काट जाती तो मम्मी बोलती है कि बाबा जी मतलब हाँ भगवान का नाम ले लो, कुछ बोल लो तो सब सही होता है। अरे तो वो बेचारी सही बोल रही थी, मामा जी के साथ खड़ोने से बिजली गिर जाती, वो इतनी तेज हंसा। मैंने कहा से कोई बात नहीं, इतनी तेज हंस रहा है। बट वो मोमेंट सबसे बेस्ट लगता है मुझे, कि मीन्स वो पता क्या करती थी, वो सिद्धार्थ को ना देखती थी कि अभी ये सोच रहा है, ये कुछ कर रहा है, तो वो उसको ना एकदम से हंसी में बदल देती थी। डिस्ट्रैक्ट कर देती थी उसको। जब वो बीमार था, अब सिद्धार्थ सबसे ज्यादा अगर केयर किसी ने की है ना तो वो शहनाज ने की थी उसकी। मुझे मुझे उसमें ना एक सीन बहुत अच्छा लगा था, कौन जिस सा? दिन सिद्धार्थ बहुत ज्यादा बीमार था, जिस दिन उसने आई थिंक जाना था सीक्रेट रूम में, तो सुबह बाहर बैठ के वो आतिम को बोल रही होती है ना कि हाय मेरे को तो उसको देख के रोना आ रहा है, तू बात कर ले ना उससे, उसको अच्छा सीरियसली फील होगा सब उसके अगेंस्ट में। मुझे बहुत प्यारी लगी थी उस टाइम पे वो, कि मतलब उसके पीछे से भी उसकी कितनी केयर कर रही है और देखा नहीं था जब वो इनफैक्ट। चला गया था तो खुद भी बीमार हो गई थी। हाँ बेचारी, हाँ, वो भी, और कैसे रोई थी ना यार, फिर बहुत तो उसको देख के क्यूट इतना हो गया था यार, कैसे रोई, और फिर लिपस्टिक भी लगा रही थी। दैट वाज सो क्योंकि फनी वो उस एक टाइम पे। इंडिकेशन था, क्योंकि सिद्धार्थ वो अब्दुल्ला तो खैर क्या समझेगी, ये तो हम भी समझ सकते हैं कि उसने लिपस्टिक क्यों लगाई थी, क्योंकि याद है जब एक बार ही फाइट हो रही थी उसकी और सिद्धार्थ की, वो तब भी लिपस्टिक लगा रही थी क्योंकि सिद्धार्थ ने उसे मेरे ख्याल से बोला था कि तुम तो मुझे लिपस्टिक लगाते हुए बहुत क्यूट लगती है, जब वो रेड लिपस्टिक लगा रही हाँ थी तब, तो वो कैमरे को देख के ही वो इसलिए लिपस्टिक लगा रही थी। और तब उस टाइम पे तो अब्दुल्ला जी ने तो ये टॉन्ट मार दी थी, ओ माय गॉड लिपस्टिक लगा के रोएगी, बट हम लोगों को समझ में था ना कि उसने वो क्यों किया था हाँ इसलिए। एग्जैक्टली। वो एक्चुअली और वो जब भी गिफ्ट भी मिस तो देती करती है थी ना। ना उसको, वो लिपस्टिक लगाती थी, वो जब भी उसको मिस करती थी सिद्धार्थ को। और वो एंड में उसको गिफ्ट भी तो देती है, जब वो शिल्पा शेट्टी आती है तो वो लिपस्टिक ही लेके आती है उसके लिए, अब तो लिपस्टिक बोल नहीं लगाएगा रहा तो था कनेक्शन है सिद्धार्थ, उनका। अब तो सिद्धार्थ बोल नहीं रहा था, ये मेकअप की बहुत ज्यादा वो है, मेकअप हाँ मतलब ये पता है मेकअप और क्यों एकदम है। से, और एकदम से शनाज वाला ओए साथ में डर गया, नहीं, मतलब खुद पे नहीं करती दूसरों पे हाँ करती मैं वही सोच रही है। थी, पता है यार इनके कितने क्यूट क्यूट मोमेंट्स वैसे भी होंगे ना जो हमें देखने को नहीं मिले, नहीं कैसे उसने मेकअप किया होगा, और भी कितने प्यारे मोमेंट्स होंगे ना मुझे पता है क्या जो लगता हमें है नहीं। कि वो जो शहबाज का जब मेकअप नहीं हो रहा था, पीछे बैकग्राउंड में ना मुझे हाँ सिद्धार्थ की भी आवाज आ रही थी, वाह वाह वाह, तो मेरे को लगता है सिद्धार्थ भी था जो बोला था कम लगा मेकअप ऐसे मत कर, वो जब तारीफ हो गई होगी मुझे लगता है, उसको यही टेंशन रहती है कि ये कुछ बोलना था एक्साइटमेंट में और बिल फट जाएगा मेरे नाम पे, फिर मैं कैसे संभालूंगा। क्योंकि मीडिया में भी देखा था जानबूझ के लिपस्टिक लगी हुई है, लिपस्टिक लगी हुई है, कुत्ते हाँ बोल के भाग गई, क्योंकि हाँ उसको ये था कि कुछ बोलना दे मीडिया के आगे, जैसे बोलनी नहीं थी, नहीं अब इसने शॉर्ट्स नहीं पहनी है, मैंने कहा क्योंकि वो घर पे भी शॉर्ट्स पहने लगता है इसलिए बोल रही होगी। कैसे हंसता है ना वो, उसका हाँ स्माइल देखा तो जिस तरीके से वो एकदम से वो स्माइल करता है कि शॉर्ट्स पहन के नहीं आया तू, हाँ क्योंकि वो भी सच बहुत तो बोला स्मूथ। था। हाँ वो उसकी स्माइल ना जो ब्लश वाली स्माइल होती है ना वो ऐसे ही करता है, जब वो अपना ब्लश को छुपा रहा होता है ना तो अपनी टंग को ना साइड जी मतलब दो चीक्स पे लगा देता है हाँ कि छुपाने के लिए। एक्चुअली मैं याद नहीं है, एक बार ही जब इंटरव्यू हुआ था तो उसकी मम्मा ने बोला था कि सिद्धार्थ बहुत एक्सपीरियंस बॉय है, उसे पता है कि लोग कैसे हैं, तो हाँ इस वजह से वो शायद उसको पता है कि ये लड़की रियल है, तो पता है जो इंसान सही होता है ना तो दूसरे इंसान को भी लगता है कि हम इसके साथ सही रहें, मेरे को तो ये लगता है, और ये होना चाहिए, क्योंकि आजकल के टाइम पे ना लोग इतने सेल्फिश हो गए हैं ना कि इंसानियत भूलते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन,
और ये जो प्यार है ना, हमें आजकल के टाइम पे देखने को नहीं मिलता। खैर, जो दूसरा वाला प्यार जो हम BB13 में देखते थे, वो क्यूट मोमेंट जो 70% जो वो दिखाते थे, मेरे को तो खैर कभी लगे ही नहीं। मुझे तो इनका इतना अच्छा लगता था कि मींस अगर वो देखा नहीं तो उसका झूठा भी खा लेती थी सिद्धार्थ, और वो भी खा लेता था। पर भले सिद्धार्थ और किसी का नहीं खाता था, मैंने याद है अब्दुल्ला ने बोला कि ये ले तू खा ले मेरे में से, उसने खोया नहीं। और जब शहनाज लेकर आई ना, उसकी प्लेट में से तोड़ के खा लिया। मैंने कहा अब्दुल्ला तो जलूस पर यार अब्दुल्ला खाती भी तो बहुत गंदे तरीके से थी ना, किसी का भी दिल नहीं करेगा शेयर करने को। इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, सो कॉल्ड इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होके इतने गंदे तरीके से खाती थी यार। इंटरव्यू में नहीं देखा था, जब मुझसे पूछा था फेस देखने वाला था बंदी का, उड़ गए तोते, मेरे को तो ये हो रहा था ये वाला गाना गाऊं इसके आगे, धटिंग नाच मेरे को तो भी बहुत तो गाया था, क्या भाऊ जो था वो, भाऊ जो था उसने भी तो मजाक उड़ाया था, अब आएगी अब ऐसे खाएगी, ओ भाई साहब वो भी मैं बहुत देखती रही, वो अमेजिंग था। खाती बहुत गंदे तरीके से थी। मतलब अगर आप अपने वेल रेप्यूटेड फैमिली से हो तो अपने खाने की हैबिट्स को तो देखो कितने गंदे तरीके से खा रहे हो, जैसे कभी खाना देखा ही ना हो। भी कैमरा पे, अरे वो वो भी कैमरा पे कैमरा पे। रोते हुए, और एक वो ही थी शहनाज हाँ जो सबको बुला के लाई थी, आओ आओ खाना खाओ। भाई एग्जैक्टली, जी मेरे को तो ये होता है कि जब सिद्धार्थ और ये, मतलब कि इनके अभी भी हर्ट गेम चलती होगी घर में भी, तूने ऐसे क्यों बोला था वहां पे, डांस दीवाने खत्म भी हो गए, मैं घर पे जाके इनका अलग ही डांस दीवाने बन, तूने वहां पे क्या बोला था, तूने वहां पे ये क्यों किया था, मुझे तो ये लग रहा होगा ये ऐसे ही करते होंगे वहां पे जाके। सही। अब तो पता है क्या, अब हाँ तो सही। ब्लू ट्रेंड हो गया है, मुझे तो ऐसे लग रहा है, मतलब अब मैं किसी को सब भी देखती कुछ ना ट्रेंड होगा। सबका फेवरेट कलर ब्लू हो गया है। आपका क्यूट मोमेंट कौन सा था, मतलब फनी क्यूट मोमेंट, मैंने तो बता दिया वो बिजली वाला, जैसे थी आपका कौन सा था? मेरे तो बहुत सारे फनी मोमेंट्स थे यार, अब तो कितने बहुत सारे इसे जहाँ शहनाज है वहाँ फन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। कितने सारे तो यार स्टार्टिंग से अगर हम नोट करने जाएं तो हर मोमेंट ही, वो बोलती भी ऐसे थी ना यार, ऐसे लगता था क्या यार ये कैसे बोल रही है, और इतना क्यूट लगता था, इतना फन लगता था, वही तो। बहुत मजा आता था। मेरे को तो वो एक भी बड़ा पर्टिकुलर फनी लगता मोमेंट था था, जब वो सिद्धार्थ को चढ़ा रही होती है ना, जब सिद्धार्थ पंजाबी बोलता है, वही तो पंजाबी बोल रहे हैं, इतनी प्यारा लगता था ना वाला मोमेंट इनका। तो मैं तो इतने ही सोना है, कहते हैं उत्थे जा उत्थे कितने जाओ बड़ा अच्छा था वो मोमेंट। सही में पता है ये हमें हंसी दिल, मतलब कि अगर कोई बंदा है सैड हो ना, उसको बोलो ये मोमेंट देख तो खुश हो जाएगा, मैं तो खुश हो जाती हूँ। पता है स्कूल में आज, मतलब कि स्कूल में इतना काम होता है ना, कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार क्या है, कि मैं थक जाते हैं, तो मैं ना, आप मानोगे नहीं मैं क्या करती हूँ, मैंने ना क्लिप्स रखी हुई है, और मैं ना नेट भी नहीं ज्यादा ओपन करती, जब मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाता है ना, फिर उसके बाद कोने में जाके बैठ के क्लिप देख रही होती, तो मेरी ना मैम भी बोलती शिखा तू तो पागल हो गई, मैंने कहा पागल बोलो चाहे मेंटल बोलो, इनके बारे में कुछ मत एग्जैक्टली बोल सबके साथ ही यही है, सबके साथ ही यही है यार। एक तो वो है ना कि वो देख लो, अब देखो आज जैसे कुछ नहीं आया ना तो अब वही है, मिस कर रहे तो वापस जाके वही सब देख लिया। अभी तो रिसेंटली हमें कितना नया नया कंटेंट मिला है ना, पर वो पता है मैं जाके कहती वापस हूँ देख लिया। कि अच्छी बातें कम दिखाते तभी इनकी वैल्यू है, क्योंकि जो शो ऑफ हाँ करते हैं ना, मुझे तो वो बिल्कुल, उनका तो लव मुझे रियल ही नहीं लगता, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। मीन्स हाँ मीडिया के आगे आप हाँ प्यार दिखा रहे हो, जो रियल लव होता है ना वो सही शो नहीं करना होता, वो तो एक दूसरे के लिए होता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे बहुत चीप बोल लगती है वो रहा चीजें, सीरियसली। मैं अगर किसी को बुरा लगे तो सॉरी, बट मेरे को ये होता है कि यार वो खुद दोनों प्यार में है, तो पूरी दुनिया को क्या दिखाने की जरूरत है, वो हूँ। कैमरे के हाँ आगे वो तो है, एक्चुअली पता क्या, जो चीज जबरदस्ती दिखाई जाती है ना वो चीप लगती है, और जो चीज मतलब अंदर से निकल के आती है ना, लाइक इन दोनों की बॉडी लैंग्वेज, ये कुछ नहीं भी करेंगे ना, इन दोनों की बॉडी लैंग्वेज बोलती है।
और वो चीज हमें क्यूट लगती है, कितने वो चीप नहीं कैमरामैन आ लगती जाते हैं और कितनी मीम्स बन जाती है, देखा सिद्धार्थ ने ऐसे पकड़ा, शहनाज ने हाँ इस तरीके से जवाब दिया, तो वो अच्छा लगता है। तो मैं तो कहती हूँ अच्छा इनकी हाँ वैल्यू बढ़नी ही चाहिए, क्योंकि जो लोग जितना ऊंचा जाते हैं ना, तो उतना ही जितनी उनकी कम बोलने की पावर होती है ना, वो उतनी ज्यादा इफेक्टिव देखे। देखा नहीं सिद्धार्थ कितना कम बोलता है मीडिया में, शहनाज तो हमारी खैर पूरी एक्सप्रेसिव क्वीन है, उसको तो अभी आप वो तो सब कुछ बोल, लेकिन वो कंट्रोल जो शुक्ला जी है ना, कंट्रोल पूरा दे के आते घर से, तूने ऐसे नहीं बोलना, तूने ऐसे बोलना, फिर भी वो भूल जाती है। हाँ भूल वो जाती है, तो फ्लो फ्लो में एक निकल जाते एक्चुअल ना, बेचारे कभी से। कभी तो ऐसे होता है दोनों ही भूल जाते हैं। मुझे लगता है जैसे वो फोन कॉल वाला था ना, कि हम ना फोन पे बातें कर लेते, मैं कहा हाँ राइट यार, दोनों साथ में बैठे होते हैं और एक दूसरे को फोन मिला रहे होते हैं, सही प्लान मिला है इनको कि फ्री कॉल, जितनी हाँ कॉल में जितनी मर्जी कर लो साथ बैठे हुए। सही हाँ है, सही बेस को बनाने की कोशिश करते हैं, बट इनको नहीं अब पता ना कि हम भी तो इन्हीं के फैन वही तो, है। अब ये उनको जेनिस लगता है हम बोलती गधे है, हैं। जेनिस बोलती है आपने कुछ भी मैसेज नहीं रखा, अरे इतने तो हम भी महान है कि हमें तो मीडिया में सबके सामने हम नाजियन को प्रूफ दिखाना चाहते, वो अपनी पर्सनल चीजें दिखाएंगे, वो हाँ स्टंट है दोनों। शुक्ला उसका जी जिस तो तरीके से वो रिएक्ट करती है, जिस सही तरीके से में वो रिएक्ट करती है, एकदम से चुप हो जाती है फिर हंसने लग जाती है, तो उससे पता चल जाता है यार कि वो क्या करने की, वो फिर बोलती भी है ना कि ये तो कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गया है, ये राउंड बड़ा खतरनाक है, ये तो पर्सनल बहुत पर्सनल जा रही है, वो तभी समझ में आ जाता है। बोलती नहीं थी शहनाज सलमान सर के सामने, ये ना बहुत चंट है सर। अब पता है मुझे कभी कभी कौन सा मोमेंट याद आता है, कि अब वो बोलती होगी ना, जब वो पीयूष को बोल रही थी मेरी थोड़ी सी तारीफ कर, जब वो सलमान सर के सामने बोलती है मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरी तारीफ करे, मेरी लिप्स की, मेरे हेयर्स की, मुझे हाँ बोले, मुझे अटेंशन दे, तो मैं सोचती होंगी कि वो उसकी सारी बातें अब पूरी हुई है। और शुक्ला जी तो उस टाइम पे इतने खुंदक में आ गए होंगे कि हाई इसने क्या बोल दिया, मेरी तारीफ कर, वो एक्चुअली में ना वो उसके लिए था कि तू तो मेरी तारीफ करता नहीं है तो मैं इससे बुलवाऊंगी, वो ध्यान से सुन रहा हो तो ये क्या बोलने वाला है। मुझे तो सही बोल ऐसे रहे ही हो बिल्कुल। लगा था, कैसे उसको लेके जाते, अब तू चल, तेरा हो गया खत्म, चल अब तू वहीं चलेगी, तू वहीं बैठी रहेगी। हाँ बट लेकिन वो मोमेंट जो था यार, वो तो अमेजिंग, मतलब मेरे को इतना वो कितना नेचुरल सा था ना, मतलब कि बहुत एक पहले एपिसोड में वो आया और उसको सिखा के गया, तो उसकी आंखों में देख बोलते तो सब है, और वो उनने उसी यूज कर दिया, दैट वाज लाइक अमेजिंग कि वो एक एपिसोड पहले उसको सिखा के गया और इस एपिसोड में आके वो उसी के ऊपर यूज कर रहा बोलता है। तो है बहुत मजा पीयूष, आया। बोल तो रहा है कि मैंने सिद्धार्थ सर से भी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि वो एकदम से आ जाएंगे, तो वो न्यूज रिपोर्टर कहती है हाँ, वो कहते हैं हाँ और क्या प्लान थोड़ी ना था, वो तो एकदम से आ गए तो मैं एग्जैक्टली भाग गया। मैंने कहा चलो शुक्र है इसने ये बात बता दी, वरना लोग सोचते कि स्क्रिप्टेड है, बट हमसे पूछो ना हाँ वो स्क्रिप्टेड नहीं था, वो अंदर अंतर से आत्मा तृप्त हो रही थी कि मैं जाऊं फटाफट लेकर आऊं। और मैं तो सिद्धार्थ को देखती हूँ, दिन प्रतिदिन यार कत्ल करी जा रहा है हम लोगों को तो सच में। जैसे हम कॉलेज लाइफ में क्या होता है, मेरी और मेरी फ्रेंड है ना, तो कोई जैसे लड़का हैंडसम होता था ना, तो हम कहते थे ये तो कत्ल है कत्ल, अब तो मैं उसके लिए बोलती हूँ यार कत्ल, सीरियसली मैं बंदा हैंडसम डे बाय डे। मैं तो भाई सही में सिद्धार्थ तो इतना हैंडसम लगता है, टचवुड नजर ना लगे दोनों ही, सीरियसली मैं तो ये तो बाबा एग्जैक्टली जी, मैं तो कभी कभी ये बोलती हूँ बाबा जी कि इनको मैं ये मैसेज सेंड करूँ लाल मिर्च। बता दो इसके ना, क्योंकि इसके ट्रेनर से बात करनी दोनों के पड़ेगी ऊपर प्यार का रंग चढ़ा हुआ है ना, इसलिए वो ज्यादा हैंडसम और ब्यूटीफुल होती जा रही है। लाइव में देखा नहीं था जब सिद्धार्थ ने बोला तू इतनी पतली कैसे होगी, फैन को बता, अच्छा छुपना तेरे को क्या करना है, छुपना चल छोड़, नहीं 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 बता, वो बोलती है एप्पल विगिनर पीना, वो पूरा बताता है एप्पल स्लाइडर विगिन, और कौन कह सकता है कि ये अलग रहते हैं भाई।
वो तो साफ ही दिख रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज से ना, जिस तरीके से वो बात भी कर रहे थे, मैंने कहा सुनिए लो ये आते हैं ये दिखाते हैं, फिर इनके जुलूस निकलते यार, हमने तो कोशिश करी थी हो नहीं पाया, हो नहीं पाया लेकिन सही में इनको देख के और लोग नकल करते हैं। खैर उनका तो भाई पता चल जाता है कि एक्ट है, इनको देख के वो लोग नकल करते हैं। और उनके इनके इतने लोग इतने कहते हैं अरे इनका नेचुरल है ये, उनकी तो भैया जो ट्रॉलिंग शुरू कर देते हैं मेरे को तो इतना मजा आता है सीरियसली में, ये वो होता ऐसे है असली वाली जानबूझ के फैमिली। करते हैं, वो ऐसे जानबूझ के करते हैं, उनको पता है पॉजिटिव लाइमलाइट तो मिलेगी नहीं, तो ट्रोलिंग जैसे ना ट्रोलिंग करके लाइमलाइट ले लो थोड़ी सी। यार हम तो इतना बोली जा रहे हैं, हम तो अमन को भूल ही गए। अमन अपन चैट में लगा हुआ है सबके साथ मस्ती करने। हैं आप लोग अमन, अच्छा बोल रहे हो, बातें करते रहो। ये देख पता है एक बात बताऊं, अभी ना परसों क्या हुआ था, मैं ना सो रही थी, ये बहुत हंसी वाली बात है, तो ना किसी ने ना कुछ कमेंट किया होगा, सडनली अमन ने बोला आप ये क्या बोल रही हैं, आप ये क्या लिख रही हैं, और मैं हंसने लग गई, और मेरी बहन कहती तू क्या करती रहती है रात को, मैंने कहा तुझे नहीं पता अभी क्या हुआ है, मींस किसी का मैसेज आया और हमें आप ये क्या बोल रही हैं, आप पहले देखिए तो सही मेरी तो ऐसे मेरे साथ भी होता है, मैं जैसे कई बार अमन का लाइव सुनते सुनते मेरे को जैसे नींद आ जाती है ना, तो बीच में अमन की आवाज आती है आप ये क्या बोल रही है, आपको ब्लॉक कर दूंगा, मेरी एकदम से नींद खुलती है, क्या हो गया? हमने कुछ मिस किया क्या, देखना पड़ेगा सही दोबारा में पोस्ट आके ये क्या मिस कर दिए, मतलब सच में पता है इंटरेस्टिंग सॉरी। वो उस लड़की ने कुछ लिखा होगा, कुछ सवाल आपको समझ में नहीं आया, आप ये क्या लिखी जा रही है, आप पढ़िए तो सही आप क्या लिख रही है, वो लड़की ने उसके बाद बंद ही कर दिया मेरे को पता है कभी कभी ये लगता है कि ना जैसे हेटर्स के आगे ना अमन को खड़ा कर दू, वो आके इतने बोले आप चुप बैठे रहिए, आपसे सवाल नहीं पूछा जा रहा, आप मत बोलिए, आप बोलेंगे सबको चुप करवा देगा अमन। हाँ वो कैमरा है एक जो लाइव पे नजर रखता है और एकदम से बोलता है बीचों से पता चलता है अमन तो पक्का से नादिन है, शुक्ला सच की में। शुक्ला जी की तरह एक ही बार बोलता है फिर वो। पता है पहले ना मुझे हाँ सही, शहनाज, पहले ना मुझे शहनाज से प्यार हुआ था, लेकिन जब शहनाज को चलो देखा, फिर मैंने सिद्धार्थ को देखा, हाय मैंने कहा यार ये दोनों तो, पता है मैं सीरियसली बता रही हूँ, अगर सेम मैं मंदिर जाती हूँ ना या गुरुद्वारे जाती हूँ, मैं यही बोलती हूँ भगवान जी प्लीज दोनों को इतने अच्छे तरीके से मिलवा देना कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ ना तो मैं खुश हूँ, और मैं सीरियसली बता रही हूँ, मुझे बाबा जी ने इतनी अच्छी खबर भी दी ना, मैं तो खुश होगी, जब मैंने वो फोटो देखी ना मैं तो बहुत खुश हुई कि दोनों ने ट्विनिंग भी करी और दोनों साथ में डेट पर भी गए हैं, और जैसे जिन लोगों ने बोला था ना तो फोन भी नहीं उठाते हैं, हाय हाय मेरे को टेंशन हो गई थी, बट यार मुझे वो ऐसा जानबूझ लगता के नहीं क्यों था करते, वो कोई फ्रेंड्स यस, थोड़ी थे, एवे वही बस तो फ्रेंड्स होने का नाटक कर रहे थे, हम फ्रेंड हैं फ्रेंड। वही तो अगर वो शुक्ला जी को इतना अच्छे से जानते होते तो इतनी बिचिंग थोड़ी करते उनके पीछे से। वही तो। अच्छा बिल्कुल हुआ सही पता है, बोला, अच्छा हुआ कि सिद्धार्थ ने ये सारे एपिसोड जब देखे होंगे ना तब उसने कहा होगा ओहो ये बात है। तभी तो उसने बोला ना इंटरव्यू में भी कि आई एम जस्ट लाइक इन टच विद शहनाज ओनली और रेस्ट ऑफ द हाँ मैं गैंग अभी आपको ना दोबारा ज्वाइन करती हूँ, ठीक है ठीक हाँ ठीक है है। वही तो सही है। हेलो हाँ जी, आप लोग बातें करो, मुस्कान है वो ना अभी, हाँ जी हाँ जी यस यस वही बात है ना, असलियत सबके सामने आ गई ना, इसलिए तो वो किसी के टच हाँ, में नहीं है अब। और बहुत अच्छा भी है जितना नेगेटिविटी इनके अगेंस्ट करी, मतलब कि बिग बॉस 13 ना इसलिए भी क्यों इतना ज्यादा मतलब हाईलाइट भी हुआ, बिकॉज लोगों ने ना अपनी असलियत तो क्या ही दिखाई उन दोनों को, जब से मतलब कि ठीक है आप एक गेम खेलने आए हो कंपटीशन कर रहे हो एक दूसरे से, बट ना स्टिल यार आपको ना अपनी वो जो मॉरल वैल्यूज है ना वो नहीं खोनी चाहिए,
किसी को भी इतना मत नीचे गिरा दो कि बिल्कुल ही ऐसे हो जाए कि यार लोगों आजकल ठीक है ये लोग सोचते हैं पता नहीं क्या ही है कि समझ नहीं आता ना ऑडियंस को, लेकिन आज की ऑडियंस इतनी स्मार्ट है कि आप अगर वो कहते हैं ना कैमरे से आप कुछ छुपा नहीं सकते, और वहां तो इतने कैमरे लगे हैं कुछ भी कर लो कितना भी कर लो, चलो ठीक है हमें जितना दिखाया गया वहां तो पता नहीं पूरा 24 घंटे क्या ही होता होगा है ना अंदर, कितने सारे मोमेंट्स होंगे जो इन्होंने खुद अपनी आंखों से देखे, अब जो नहीं देख पाए वो इन्होंने बाहर आके देखे, कितनी बार दोनों ने साथ मिलकर देखे होंगे है ना, तभी तो देख लो वो भी बोलती है बहुत अच्छे बहुत, और अभी आई थी ना जैनिस के उसमें तभी उसने बोला था बिग बॉस में मेरा कोई दोस्त ही नहीं है, तो वो भी सही बोलता बात है कि मैं उसके साथ टच में नहीं हूँ, तो फिर वही चीज है ना कि यार उन्होंने भी तो बहुत देखा ही वहां पर भी, फिर बाहर आके देखा कि उनके पीठ पीछे भी क्या क्या बातें करी है इन लोगों ने, तो समझ में आ ही जाता है यार कि किसके साथ टच में रहना चाहिए किसके साथ नहीं, तो बहुत अच्छा किया इन्होंने कि नहीं है टच में, फिर उससे अच्छे तो ये है ना कि कम लोगों के साथ बात कर लो रेदर देन हैविंग फेक पीपल इन योर लाइफ। सीरियसली में हेलो हाँ आ रही हेलो। आवाज हाँ आप क्या बात कर रहे थे? मैं चली गई थी बीच में, वो मम्मी आ गई थी मेरी। वही बोल रहे थे कि जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि बाहर आके भी कांटेक्ट नहीं रखा ना इन्होंने उनके साथ, तो अच्छा किया नहीं कांटेक्ट रखा, इससे अच्छा है ना कि फेक लोगों को अपनी लाइफ में रखने से तो अच्छा है कि भाई अच्छा किया नहीं रखा। सीरियसली में मैं होती तो ब्लॉक ही करवाती। मैंने तो अनफॉलो किया, मैं तो ब्लॉक ही करवाती। सीरियसली में ऐसे बिल्कुल लोगों को नहीं रखना जिनसे नेगेटिविटी आए। बस हाँ वही तो अभी भी अपनी क्या लाइफ करते हैं, में आज नेगेटिविटी तो स्प्रेड करते हैं ये लोग, और करते क्या है? हाँ या तो गंदे एक गंदे मैट वो रूमर्स करती भेजेंगे। है, हेलो। हाँ एक मैट हेलो हाँ जी बोलो। मैं कह रही हूँ एक मैडम फॉलो करती है उसको, वो कॉपी करती है वो उसको सिर्फ कॉपी सीरियसली में करनी सही बोला, बिल्कुल। मतलब कि इसके अगर है 13 है तो उसके भी 13 ही है, 14 नहीं हुए भाई। हेड्स ऑफ। मैं आपको सच्ची बताऊं, बोल मैंने पहले मैंने बिल्कुल भी किसी को फॉलो नहीं किया हुआ था, क्योंकि मैं करती नहीं थी। मैंने सिर्फ सलमान खान और कार्तिक आर्यन को भी मैं कब से पसंद करने लगी थी, जब से BB13 में आया था। सच्ची बता रही हाँ हूँ। कार्तिक आर्यन हाँ और सलमान सर को तो मैं पहले से ही फॉलो करती थी। मेरे सिर्फ 5 जने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में फेवरेट थे। एक है धर्मेंद्र जी, एक सलमान सर, एक माधुरी मैम, एक सुष्मिता सेन मैम, और अब जो पांचवे बने हैं वो तो एज अ भाई कपल ही माना जाएगा, सिद्धनाथ। दैट्स इट। बाकी तो सबको मैं हाँ किसी को नहीं करती फॉलो। मैंने भी सलमान खान को मेरे को सबसे पहले मैं फॉलो नहीं करती थी, बट मुझे वो इतना अच्छा लगा ना बिग बॉस 13 में, क्योंकि वो तो हमने पूरा ही देखा ना वो जिस तरीके से शहनाज के साथ इंटरेक्ट करता था, नहीं तो देखा जाए तो यार ठीक है उसको क्या है ना उसको क्या मतलब, ठीक है वो शो कर रहा है बट लेकिन वो चाहता तो यार वो उसको इम्पोर्टेंस इतनी स्टार्टिंग में देता नहीं, बट वो उसने भी वो भी दिल से कनेक्ट हुआ उसके साथ, उसको भी समझ में आ गया कि यार ये लड़की मतलब कुछ अलग ही है, बिल्कुल ही वो है कि प्योर है बिल्कुल हर चीज में, और कोई उसके मन में ऐसा नहीं है कि दिखावा कर रही है या कुछ भी, नहीं तो यार वो इतना बड़ा सेलिब्रिटी है उसको क्या जरूरत है ना, वही और तो। फिर उसके बाद देख कि जब से उसने वो वाला जब जो वो वाला वीकेंड का वार हुआ था जिसमें जो वर्स्ट बोलते हैं हम कि इतना रोई थी जब वो उस वाले में, उसके बाद जेलेसी में उसने टास्क। उसको जेलेसी टास्क वाले में हाँ उसके जी। बाद में उससे इंटरेक्ट करना थोड़ा कम किया, बिकॉज उसको समझ में आ गया था कि यार ये लड़की इतना ऊपर जा रही है और ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो वो तो तब है भी ही। उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि नहीं यार मैं ज्यादा करता हूँ तो इन लोगों को समझ में आता है कि मैं उससे बात करता हूँ, हाँ तो जी फिर वही है ना कि इन लोग और ज्यादा गलत करने की कोशिश करते हैं उसके वो साथ, तो है तो ही। वो जो भी करता था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए करता था, एंड दैट वॉज समथिंग विच आई रियली लाइक अबाउट हिम, मेरे वही को तो। इतना अच्छा लगा उस टाइम पे, मैंने कहा यार देख ये भी
ये है ही ऐसी लड़की की यार, ये तो किसी को भी अपना दीवाना बना वही तो, इनफैक्ट पता है सलमान सर ना सिद्धार्थ को भी सपोर्ट करते थे, क्योंकि जब बोलते नहीं है। हाँ तुम्हारी मम्मा मेरी मम्मा, मेरी मम्मा तुम्हारी मम्मा, इतना बड़ा सेलिब्रिटी होके यार कौन ऐसी बात बोलता है। मेरे को इतना अच्छा एग्जैक्टली लगा था कि मीन्स कितनी बड़ी बात कह दी है सलमान सर ने, सिर्फ 2 लाइंस में ही कितना अपना बना दिया, मीन्स एक फैमिली वाला बना दिया। और देखा नहीं था जब फिनाले था तो कैसे उनकी मम्मा से बात करी थी। हाँ एग्जैक्टली और वो भी देखो बर्थडे था उसकी मम्मी का, तो अगर वो चाहते तो सिद्धार्थ ने भी बोला था कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी है तो अगर वो चाहते तो वो नॉर्मली कहते हैप्पी बर्थडे। उन्होंने प्रॉपर तरीके से पूरा बोला कि मे योर सन एंड योर बॉन्ड लाइक चैरिश वो और ज्यादा आगे मतलब हो, और मतलब जो भी उन्होंने पूरी स्पीच बोली थी दैट वाज अमेजिंग। मतलब एंड में तो अनएक्सपेक्टेड था ना यार, वो चाहते सीरियसली हैप्पी बर्थडे तो योर मॉम और बस खत्म हो जाता, लेकिन उन्होंने एंड में पूरा एपिक बात भी तो उसको बोली मतलब थी एक, हाँ कि बेस्ट बहू भी आई आपके घर बेस्ट में। बहू भी आया आपके सिद्धार्थ ने दैट मना वाज नहीं किया, अमेजिंग। सिद्धार्थ ने मना नहीं हाँ किया, मैं बड़ी खुश हुई थी। मैंने कहा चल एग्जैक्ट शुक्र है, बहुत शुक्र है, मैं बहुत खुश हुई थी सीरियसली में। पता है अगर हाँ इनकी और लड़ाई भी इसके होती थी ना, बाद इनकी लड़ाई भी होती थी ना, मुझे एक एक चीज की उम्मीद होती थी, ये सब भाड़ में जाए, एक बंदा आएगा जो इन सबको अभी फैला के चला जाएगा और इन दोनों की सुलझा के चला जाएगा, दबाने नोदी सलमान। मुझे ये पता था, क्योंकि जब इनकी वो मकड़ी वाला टास्क भी होता तो सलमान सर भी कह रहे थे तुम कौन सी बात पे लड़ रहे हो, जिसका ना जिसको तूल ही नहीं देनी। जब वो बोलते हैं ना कि सर किसी ने मुझे ये भी बोला है कि मेरा तो अब्दुल्ला के साथ पहले से चल रहा है, 10 बार मिला हूं मैं, तो सलमान सर कैसे बोलते तुम इस बात को तूल क्यों दे रहे हो, छोड़ो इसे। तब वहां पे मीन हाँ सिद्धार्थ सच में कंफर्म करना चाहता था कि आप भी समझाओ कि मेरा इस देवी के साथ कुछ लेना देना नहीं है। पता है सिद्धार्थ भी हाँ ना कहीं मजबूर था, क्योंकि मेकर्स और वो जिस फैमिली से बिलोंग करती है, तो यार वो अपनी जगह बिल्कुल सही था वो बंदा, क्योंकि उसको भी पता है कि शहनाज को भी आगे उसको लेके जाना है, और उसको पता है कि अगर इसके इसने इसके बारे में कुछ बात बोल दी ना तो इसके करियर पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, और वो ये नहीं करना चाहता था। तो मैं ना ये सोचती हूँ कहीं ना कहीं वो भी मतलब कि सिद्धार्थ भी ना फ्रस्ट्रेट हो जाता होगा कि शहनाज को मैं समझा भी नहीं सकता कि मैं ये डिसीजन क्यों लेता हूँ, और क्योंकि कैमरा तो और हाँ जगह है ना, ये होता था। एग्जैक्ट मुझे ये तो लगता है है यार वो, और जो भी वैसे भी वो चाहता इनको था कि हाँ जो भी वो करे वो खुद से करे, है ना, जो भी ऐसे नहीं गुफ्तगू कि होती होगी वो तो उसके कंबल ऊपर कर कर ही होती होगी बात, कि ताकि कैमरा ना सुने या वो ना सुने, मतलब कि। और वो दोनों पता है गेम से रिलेटेड तो कोई बात भी नहीं करते थे, मुझे ये अच्छा लगता था। एक सना में ना ये एक तो चीज है बहुत है अपने मन में बड़ा रखती है वो, उसको बतानी चाहिए फीलिंग, क्योंकि सिद्धार्थ भी बोलता था ना कि मुझे कैसे पता चलेगा तू हर्ट किस बात से है या तेरे को बुरा क्या लगा है, तो वो बोलती नहीं है, तू समझा करना, मैं बताती थोड़ी ना हूँ अपने मम्मी को पापा को भी, मैं थोड़ी ना बताती थी, वो तो समझ जाते थे। तो मीन्स मैं ये फिर मुझे हाँ लगता है उसके बाद सिद्धार्थ समझने लग गया, क्योंकि वो एक बार सलमान सर को भी तो कहता है ना सर मार से डर नहीं लगता, जब ये हर्ट होती है ना तब मुझे डर लगता है, तो फिर सलमान सर भी कहता है तब हाँ तो मुझे एग्जैक्ट भी डर लगता है। वही हाँ उनका ये उनका तो था मन कैसे बन गया था सीरियसली ना, मैं तो बड़ी खुश हुई थी। मैंने कहा था सर थोड़ी 2-3 और तारीफ कर दो, लेकिन उन्हें भी पता है ना करूंगा तो पीछे से फिर इसकी बैंड बजानी है। हाँ बिल्कुल वही चीज तो, कि उनको भी समझ में आ गया था कि क्या है, मतलब कि ऑब्वियस ही बात है यार वो तो सब कुछ ही देख रहे थे ना, हमें 1 घंटे के देख के समझ में आ रहा था कि व्हाट्स गोइंग ऑन एग्जैक्टली वहां पर। तो हाँ वो जी वही चीज है यार कि जिस तरीके से आप कर रहे हो उसके साथ में कि वो आके रियलिटी बता रहे हैं ना कि क्या चल रहा है क्या हाँ नहीं चल रहा है जी बाहर, और तुम उसी का ही गलत फायदा उठाकर जो वो नहीं है फिर भी तुम उसके लिए अगेंस्ट वो चीज बोल रहे हो उसके पीठ पीछे, और उसी को ही वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई तुम कितना भी बोल लो हम बेवकूफ तो है नहीं ना, कि हमसे कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी
दिखाने की कोशिश करोगे या तुम बोलोगे, वो कहते ना कि एक चीज को बार 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 बोलकर तुम क्या दिखाने की कोशिश करो कि वो जो तुम बोल रहे हो वो चीज सच है, वो तो है ही नहीं ना, वो एट द एंड आज हमें सबके सामने ही है कि तुमने कितनी कोशिश कर ली वहां पे उनको नीचा दिखाने की, उसके बारे में बोल के ये भाग भाग के जाती है जब से डांस वो क्या कहते तो शुरू से ही थी, क्योंकि देखा नहीं था। एक बात बताओ, जब स्टार्टिंग के डेज थे, मोमो आंटी तो सच में पता चल रहा था एक्टिंग करती है। इनफैक्ट जो मिस लीना थी वो भी एक्टिंग करती थी, बल्कि शहनाज ने उसकी वैल्यू बढ़ाई है, क्योंकि सब तो उसको बोलते थे हाँ, बड़ा exactly. गुस्सा है, इतना ये है। वो ही एक पहली वो भी एक लड़की थी जिस जो सब लड़कों से बात करती थी। आसिम को कोई नहीं बुलाता था, फीफी जी को कोई नहीं बुलाता था, और तब कोयना और इन सब के क्या थे, ये लड़की सबसे चिपकती रहती है, ये करती रहती है। तो तब सलमान सर ने बोला था, आप किसी को नौकरानी बोल दो, आप किसी को बोल दो कि चिपक के बैठ जाती है, तो आपको ये वर्ड शोभा देते हैं, वो तो छोटी है, लेकिन आप तो इतने बड़े हो, आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं था। और हम तो ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे हम बैठते हैं, सबके साथ उठना बैठना है, चिपक के तो मैंने कभी उसको देखा एग्जैक्टली नहीं है। मतलब कि उसी ने वैल्यू बिल्कुल बढ़ाई थी सिद्धार्थ की इन सब के हाँ बीच में। बिल्कुल और ऊपर से वो सलमान सर आके जो थोड़ी तारीफ कर जाते थे, तो इनको ये होता था कि इन दोनों को तो ब्रेक करना है। जो जो ये इसने हाँ बोला था ना तो रावण ने, वो तो इसने इसलिए बोला था क्योंकि उसको ये पता चल गया था सीक्रेट रूम में कि ये उसको फर्स्ट वीक में ही पता चल गया था कि ये बंदी मेरे साथ नहीं है सीरियस। क्योंकि जब वो रोज वाला टास्क हुआ था, शहनाज ने कैसे बोल दिया था पारस को निकालना है, अगर उसके मन में फीलिंग्स होती तो उसको निकालती। हाँ वही तो, उस वही चीज तो, ये चीज हमने भी तो वही देखा है ना, जो बाकी सबने जो सबने देखा है वही हमने देखा है। हम लोगों को कितना मतलब वो समझ में आता है, और कुछ लोग इतने बेवकूफ हैं जो इतना वो करते हैं कि भाई ऐसे किया उसने, वैसे किया उसकी। यार वो गेम खेलने आई है, वो गेम ना खेले वहां पर वही आकर, तो। वो हर मतलब कुछ भी करे तो वो उसकी हर चीज पकड़ी जाएगी। लेकिन कोई और जो इधर उधर के आसपास की, वो जो इतने बेवकूफ से अपने आप को बहुत वो दिखा रहे थे कि नहीं तो हम तो हम ही है असली गेमर, तो हमें ही आता है सब कुछ। एक वो मैडम जो अपने आप को बड़ा वो दिखा रही थी, कार मैम, भी उसने गंद मचाया अंदर जाके भी। हाँ हाँ मोमो मैम ने आंटी ना, मैडम हाँ। अच्छा, मुझे लगा बल्ले बल्ले वो की भी बात अरे कर रहे, क्योंकि मरियम जी ने बड़ा अच्छा वो नाम तो दिया ना इसको, मैम, तो मेरे को तो बड़ा चलता है। और वो भी जब मरियम जी बोलती ना मैम ने ये कि ओहो, मैं तो इतनी खुश वो तो होती हूँ ना, मैं कहती अलग यार ही उसपे थी, वो अलग ही तो उसपे थी आसमान वो पे थी तो। भाई, सिद्धार्थ अभी भी अभी भी है, देखा है उसकी वीडियो, अभी भी उसकी मैंने वीडियोस ब्लॉक देखी, वो किया कितना हुआ है। क्यूट बनने की कोशिश करती है। मैंने हाँ, कहा मेरे को मैंने इनको बोला तो तो है, मैंने इन सबको ब्लॉक किया हुआ है, मैंने नहीं रखा हुआ, मेरे को इन सब अपने इंस्टाग्राम पे ना अरे पॉजिटिविटी सामने आ चाहिए। जाते हैं ना हाँ, ये तो लोग, आप सामने एक आ बार कर जाते लिया हैं, करो ना, देखती हूँ लोग। इंस्टा पे आते हैं ना नॉट इंटरेस्टेड इन दिस स्टोरी, मैंने तो वो ऑप्शन डाला मैं। मैं देखती हूँ ना, मेरे मुझे यार ये क्या करने की कोशिश कर रही है, मतलब तुम इतना वो मत दिखाओ यार कि मैं तुम भी जो हो देखती वो हूँ। दिखा दो, उसी में वो ही समझ में आ जाएगा हमें, इतनी वो करने की जरूरत नहीं है हमें। हमारे पास एक है वही बहुत है हमारे लिए, हमें और नहीं चाहिए वही तो। ना किसी और को। आप लोगों में इंटरेस्टेड है, वहां आई है कैसे मतलब एंट्री करी है, पर बाद में अपना ही मतलब ये लोग कैसे है ना यार, अपना मजाक खुद ही बना लेते हैं। मतलब पहले अरे खुद आ रहे हो, बाद में इतनी अपना मजाक बना रहे बेइज्जती, हो खुद। अरे सलमान सर सर कनेक्शन, मैं तो इतनी खुश हूँ, मैंने कहा ओ माय गॉड, उठाया पहाड़ के नीचे। और ये नोटिस किया, जब भी इसकी बजाने की बारी आती थी ना, सलमान सर के एक्सप्रेशन तो ऊ ला ला होते थे कि हाँ बेटा तूने बहुत, हाँ क्योंकि सलमान सर को ना पहले पता नहीं था कि कंट्रोवर्सी है क्या, जब मुझे भी लगता है उन्होंने सुना एग्जैक्ट होगा और उन्होंने पता लग गया होगा कि इसने कितना गलत किया है शहनाज के साथ अपनी, मतलब कि तुम इतने बड़ी स्टार हो के तुमने उसको कितना नीचा दिखाया, कितना ह्यूमिलेट किया है ना, तो वो सलमान सर समझ गए होंगे कि उस लड़की ने कितना सहा होगा, तभी वो इसको ऐसे करते थे। क्योंकि जब इसने बोला था ना मैं तो पंजाब का बिल्कुल दूसरा साइड दिखाने है, तो उन्होंने कहा हमें तो पहला साइड भी हाँ बहुत अच्छा लगा, और उस गाउन में हाँ प्यारी भी वही कितनी बोल लग दिया रही थी पैसा यार, दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे सिंड्रेला डांस के लिए जा रहे हो, सिंड्रेला वो 12 बजे आता है हाँ ना, सपना टूटता है, मुझे तो वैसे ही लगा आ गई विच। मुझे बड़ा बुरा लगा, मैंने कहा यार
ये क्या हो गया। उस टाइम तो पता, सिद्धार्थ भी इतना हैंडसम लग रहा था, उसने वो ब्लू कलर का गाउन पहना हुआ। ऊपर से कहती है जब वो लेटा तो, चल तू तैयार क्यों नहीं हो रहा। हरे बस एक बार ही देखने में अच्छी लग रही वो वाला उसका वो देखा है, अनसीन अनदेखा, जिसमें वो हाँ वही तो उसको कह रही हूँ वो मैं। लेटा होता है, वो कैसे एक ना कौवा होता है, वो एकदम से हंसता है। जैसे उससे पहले वो कितना क्यूटली बोल रही होती है, पता है वो हाँ मैंने सेव करके रखी है मेरे वीडियो, पास भी मैं है। वो वीडियो जरूर देखती हूँ, हाँ रोज देखती हूँ मैं वो वीडियो अच्छा एक बार। उसके बोलने का तरीका ही बिल्कुल ही डिफरेंट है उसके अंदर ना, वो बोलती है हाँ क्या हुआ, अच्छा कोई मर गया, कोई मर गया यहाँ पे, चलो अच्छा है, एक कंटेस्टेंट कम हो गया। हालांकि वो बिग कितना बॉस के साथ क्यूटली बोल बहुत अच्छी थी, लेकिन बिग बॉस उसके साथ इतने अच्छे नहीं थे। चल वो तो खैर छोड़ो, वो तो लेकिन यार, मुझे तो बहुत अच्छा लगता हाँ था। और ऊपर से सिद्धार्थ देख पूरे मजे ले रहा हाँ वो भी पूरे फन उसमें था। और एकदम से फिर वो एंड में बोलता है कि जैसे ही वो बोलती है ना, अच्छा मैं तुझे कहानी सुनाती, एक ना कौआ था, वो एकदम से वो हंसने लग जाता है उसकी सुन के कि सही क्या है। में। और आज भी देखो भाई है हाँ वो चीज, आज भी अभी जो हमने वो सिग्नाज ऑन लोल वाला जो हाँ था वो उसने देखा था, बोला तो उसमें था। भी नेचुरल था। और देखो उसको ये भी पता है कि अभी आपने ये बताया, मैंने तो पहले भी लाइव में ये बात बताई थी। देखो जब वो हंस रही होती है, पाठ कर रही होती है, देखो सिद्धार्थ के बंदे शहनाज पाठ कर रही है। मैंने कहा ये बंदा देख, इसको ये भी पता चल गया वो पाठ कर रही है। साथ में देखो रहते हैं तो पता ही होता है ना, हाँ, वो और जो रोज कितना करती है जो हाँ, तो भी। अब ये शुक्ला जी कितना भी सीधे बन जाए, हमें सब पता है कि ये सब पागल बना रहे हैं हमें। लेकिन हमें वो पागल बनने में भी हाँ मजा आ रहा है। बनाओ बनाओ, हम खुश हैं। हम बड़े, हमें हमें बड़ा मजा आता है वो देख के हाँ ना कि हाँ मैं तो यार चल, बड़ी खुश। ये सोचते हैं कि हम पागल हैं। तो मैं पता क्या सोचती हूँ उस टाइम, मेरे दिमाग में आता है क्या ही इन्होंने वो SNIT नहीं देखा है कि जो सब लोगों ने किया है, कि तुम कितना मर्जी मतलब परछाई भी, शैडो से शैडो भी मैच हो रही है इनकी, कि हाँ इतना परेशान कर दिया बेचारी को, लाइव में आके बोलना पड़ा कि प्लीज यार इंटेलिजेंट बन जाओ, अब तो मत करो ये सब, तुम्हें अच्छा लगता। उसको देखो इतना वो कर दिया कि क्या ही है, मतलब मैं तो कहती यार हैट्स ऑफ टू दोज पीपल जो ये इतना मतलब करके उन्होंने वो दिखाया। वो कहते ना यार एक अंदर से कितनी मस्ती होती है, वही तो। मतलब खुद एक लिमिट तक होना तो सही लगता है। और स्टार्टिंग में ना बहुत एंजॉय करती थी, और देख हमने तो ये नोटिस भी नहीं किया और ये कहाँ से निकाल लिया इसने, कितना वो लगता था। फिर धीरे धीरे करके ऐसे हो गया यार, अब तो पीछा छोड़ो, अब तो कंफर्म है ना कि वो है ही साथ में, साथ में। इतना कुछ कर दिया तुमने, इतना कुछ दिखा दिया, और इतना नहीं करना चाहिए। SNIT वालों का दिमाग देखो, वो कितनी छोटी छोटी चीजों को दिमाग में रखते हैं कि ये और ये चीज मैच हो रही है। मतलब हम जैसे लोग इग्नोर कर देते हैं, वो तो मतलब वो कहते हैं ना, एक तिल्ली भी जैसे होती है ना, वो भी मैच कर लेते हैं। ये उनके घर बिल्कुल पे ना इस सही। जगह पे हाँ पड़ी थी। अरे वो तूफान दीवार वाला मैच हुई जिसमें है। लाइव आई थी, उसने उसके लैपटॉप पे सर्कल बना दिया, ये लैपटॉप लेके बैठी थी शहनाज के। अब रियल से देख दैट वाज ओ माय भाई, गॉड, मतलब बेचारे कि ने कुछ लैपटॉप भी ही चेंज कर निकाल लिया। यार। SNIT भी अब ऑफिशियल हो गया, आपको पता है आर्टिकल्स भी हाँ छपे हैं SNIT में तो। अरे अच्छी बात है, चलो एक दिन पता चले अमन का भी ऐसे ही हो रहा है और हम तो बड़े खुश हो रहे हैं। वाह अमन तो ऑफिशियल है ही है, अमन। क्योंकि मीडिया हाउसेस भी तो इसकी लाइव पिक्चर्स को पोस्ट करते हैं। हाँ क्योंकि ट्रूथ मतलब हाँ सच्चाई वाली तो होती है ना, कहीं तो ऐसे उल्टी सीधी एडिटिंग कर देते। पता है मैंने एक इंस्टाग्राम पे ना किसी ने क्या डाला हुआ आज, एडिट देखो कितने लोग पागल हुए हैं। वो सिद्धार्थ की भी फोटो नहीं आई थी रक्षाबंधन वाली, कितना क्यूट लग रहा था उसमें, उसके साथ शहनाज को हाँ बिठा दियो। मैंने कहा जिसने भी किया ना बड़ा अच्छा किया, वो मैंने सेव कर ली फोटो और ऊपर से लिखा हुआ प्यारी फैमिली। यार एडिटिंग वालों की तो बात ही मत करो, ऐसी ऐसी पिक्स एडिट करते हैं ना कि एक बार देख के ना मतलब शॉक हो जाता है, ये एडिटिंग है ये ट्रू है, मतलब ट्रू है। और रियल पिक्चर देख के भी ना एक बार बंदे में डाउट आया था यार ये एडिटिंग तो नहीं है। अब जैसे हम हंस रहे हैं, वो भी हंसते होंगे इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे देख के,
वो तो बड़े सिद्धार्थ तो ब्लश ही करता होगा, पक्की बात है। बोलती है लाइव चैट में, ये तो पक्का अपनी जर्नी देखता होगा और कैसे हंसने लग जाता है। सही बोल रहे हो। सही में मैं कह रही यार बंदों में कितना दिमाग है कि यार उसने फोटो डाली है बच्ची के साथ और एडिट करके शहनाज को भी बिठा दिया है, वो देखे खुश हो जाएगी। और ट्विटर पे उस पर भी बवाल हो गया था कि एडिटिंग क्यों कर दिया। अरे वो तो पागल है। हमसे कुछ भी चलता है यार। इतना कुछ गंदा तुम किसी के करेक्टर के बारे में लिख देते हो तब तुम बवाल होना चाहते हो, और ये तो इतनी क्यूट चीजें हैं और जो कि फ्यूचर में होनी चाहिए। आई मीन भाई कितनी क्यूट थी ना, सही में उसकी नीज कितनी क्यूट है ना, छोटी सी। पता है दोनों को ही बच्चों से बहुत प्यार है, शहनाज को भी बहुत प्यार है, अच्छी लगती है बच्चों के साथ। वो वाला बीटीएस देखा था, वो वाला बीटीएस देखा था डांस दीवाने जी का, जिसमें नहीं नहीं जो उसको प्रैंक करता है जो लड़का उसके साथ उसको किस कर रही होती है, कितनी क्यूट लगती है वो। और एक मैंने इसकी वो भी देखी थी, इसने शहनाज ने ना टिकटॉक पे वीडियो डाली थी, ये वो जब ये कनाडा गई थी तो वहां पे एक बच्चे के साथ डांस कोई सॉन्ग था, कह तेरे यानी तेनू जेट देंगे लाइफ इन नहीं बिल्लो सेट दे, मतलब वो गाना मुझे आता नहीं है लेकिन उसके सॉन्ग वो आई शहनाज, थिंक, हाँ वो आई वो मैंने थिंक सेव गिप्पी करके का रखी। बेटा था ना, नहीं वो तो गुरबाज गिप्पी के के साथ, बेटे नहीं, नहीं गुरबाज वो के तो साथ अलग था, गुरबाज। गुरबाज के साथ अच्छा अलग था। ओके एक जब वो कनाडा पहले गई थी ना बिग बॉस से आने से पहले, जब वो कनाडा में ही अच्छा अच्छा थी ओके तब उसने डाली थी, मैंने कहा यार कितनी अच्छी वीडियो बनाई, पता है तब उसने इतनी इतनी क्यूट क्यूट टिकटॉक पे अपनी वो डाली थी, स्नैपचैट पे भी स्टोरी बच्चों के साथ थी, तो मैंने कहा यार इसे कितने बच्चे पसंद है, वैसे तो अच्छे ही आपके लगते पास हैं है ये वो, उसे। हाँ आपके पास है वो टिकटॉक की मेरे पास वीडियो, है, मेरे पास है, मैंने मेरे सेव को करी है डीएम करना। इंस्टाग्राम में, आप मुझे डीएम कर देना, मैं आप क्योंकि मुझे पता नहीं है ना किस नाम से, तो आप मुझे कर देना तो मुझे मैं मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। करूंगी, हाँ हाँ ठीक है मुझे ठीक भी है। हाँ मेरे को भी, और मेरे को तो पता है आप सच्ची बोलोगे, आप कह रहे हो ये क्या गंदी बात करी, वो वाला गाना नहीं था जो टास्क कहता भीगे हो तेरे, मैं आज तक तो नहीं देख पाती, मुझे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं पता नहीं क्यों। वो मैं गाना ही नहीं देख पाती, पूरा टास्क देख लूंगी जैसे ही वो आता है ना, इतनी शर्म आती, मैं कहती यार टीवी में ये नहीं। और एक वो जो उन्होंने रंग शरबतों का किया था वो तो सना ने बचा लिया, वरना वो तो फिर बंदा डूब गया था, कि वो तो भूल ही गए थे कि तो शेट्टी भी खड़ा हुआ है। शहनाज तो हमेशा बचाती है। अब वो कुछ कुछ होता में कितना सीरियस हो रहा था, शहनाज ने उसमें भी फनी फूड डाल दिया है फैक्टर कि होने दे। वो तो पता मुझे ऐसे लग हाँ रहा था बीगे होते रे में कि सिद्धार्थ तो काबू में ही नहीं आएगा, पता मुझे उस मैं तो इतनी खुश हो रही, मैंने कहा यार शुक्र है, पर मैं जब भी वो देखती हूँ मेरे रोंगटे खड़े होना बीगे होते। पता है सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगे इन दोनों की, इन्होंने कभी भी वल्गैरिटी नहीं दिखाई अपने प्यार को लेके और ना ही शो हाँ ऑफ किया, ये सबसे बिल्कुल अच्छी चीज मुझे बिल्कुल लगी है इनके बारे में। अब लोग कुछ भी कहें, मैंने BB13 ये वाला देखा और मैंने BB14 भी देखा था। और एक और बात, वो कौन हाँ वो जो जहरीला मैडम कौन अच्छे करता है कि अच्छे कर लो वैसे जेबला। कर लो, और जो हाँ जेबला, और जब खुद का हस्बैंड आया कूद गई भाई कंट्रोल, 150 कैमरे हैं, उसका हस्बैंड भी शॉक्ड, ये क्या कर रही हो बेबी। वो कहता होगा घर में तो ऐसा नहीं था, ये कि क्या हो रहा है, ओवर एक्टिंग है ना ये लोग सब, सीरियसली मांग करके वो सबको दिखा कर नहीं, चलो एग्जाम्पल सेट करना। जेबला का तो छोड़ो, वो तो उसका हस्बैंड आया था, वो मम्मी देख लेंगी सो कॉल्ड, वो हाय क्या क्या एक्शंस करते थे यार, माय गॉड। सही में करना अरे भी उसकी सब था मम्मी लेकिन भी, मम्मी देखती, मम्मी देख उसकी मम्मी लेंगी। भी, अरे उसकी मम्मी भी एक बारी आपके गले मिल लो, मतलब कि वहां पे तुम उस नो लड़की के करेक्टर पे बात कर रहे हो और यहाँ पे तुम सीरियसली में, मेरा हाँ तो मन वही कर रहा था कि बोलो आंटी आपने जो बोला है ना वो बहुत गलत बोला है, आपकी भी डॉटर है, सीरियसली एग्जैक्टली। में। पता है हमारी मम्मी ने हमेशा हमें ये तालीम सिखाई है कि अगर आप किसी को कुछ भी गलत बोलोगे ना
तो जो भगवान है ना वो उसे कुछ नहीं गलत करेगा, तुम्हारे साथ गलत करेगा, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करता है जो नीचे वाले बंदे को ऊंचा उठाता है। और शहनाज ने कभी किसी के करेक्टर पे बात नहीं करी, और मैंने जब इनके इंटरव्यू में मैंने कभी नहीं सुने थे, मैं कहती थी पता नहीं क्यों लोग इतना बदनाम, लेकिन जब मैंने सुने तो मैंने तो कहा बाबा जी अच्छा हुआ कि इसको सिद्धार्थ मिल गया, अगर ऐसे गंदे लोग करते ये तो उसको खा लेते सीरियसली में यार, और उसको आगे यार भी नहीं पढ़ाते थे। बाबा जी भी तो अच्छे बंदों के साथ अच्छा ही करते हैं ना। हाँ, और देखो सलमान खान भी पूरा सपोर्ट करते, मुझे बड़ी खुशी होती हाँ हाँ मेरे को भी। मैं तो और बड़ी वो खुशी देखा होती। अभी क्या स्टार्टिंग बताओ। में जब ये बोलती थी मैडम जो मम्मी देख रहेगी वाली जो मैडम है ये बोलती थी स्टार्टिंग में, देखा था कैसे बोलती थी बाहर जाके देख लेना हम तो ऐसे, मेरा नाम चलता है तुम तो अभी आई हो यहाँ पे, मैंने कहा अब हाँ इसकी ना वो क्लिप दो काट के ना दो इसको भेज साल से सकती है कहती मैम। कहती 2 साल से है बेटे, बाहर जाके ओ देख लेना बेटे, आई दादी अम्मा बेटे बेटे उसको बोल रही है, बहुत, इतनी जोर में और बोलती थी। वैसे ना इसको बहुत वही नीचा तो गिराते थे बहुत, उस बंदी ने कभी हार नहीं मानी, लेकिन मुझे ये खुशी है कि जो उसने झेला है ना तो बाबा जी ने उसको वर्ल्ड का हाँ फल बेस्ट मिल रहा है लड़का उसको। दिया और वर्ल्ड की बेस्ट चीजें दी, मैं बहुत खुश हूँ। और पता सलमान सर भी ना बोल नहीं पाते थे लेकिन उन्हें खुंदक बहुत आती थी जब वो ये बातें सुनते थे, क्योंकि याद है जब भावना बोला था ना वो कि देखा नहीं था जब हाँ जी कनेक्शन। बोलो, हाँ हाँ भाव जी भाव क्या क्या बोलो बोलो भाव वाला। मैं ये कह रही हूँ, जब भाऊ ने ये बोला था ना राखी सावंत वाली बात शहनाज के लिए, तो तब सलमान सर ने कितनी बड़ी बात बोली थी, इंसानियत भूल गए हो क्या भाऊ कि अंदर आके बताऊं। भाई मैंने हाँ कहा सही ये तो बात। सरेआम सलमान सर बोल रहे हैं कि अंदर आके बता दूंगा अगर कुछ फालतू बोला। और उस बात पे ना ये भी नोटिस करना, सिद्धार्थ की तबीयत खराब थी और शहनाज रोने लग जाती है तो सिद्धार्थ तो जो चढ़ता है कहता तू तुझे तो कहता है तू चुप हो जा तो इसको मैं बताऊंगा जब तू लड़की होगी, हाँ वो अलग ट्रैक पे, क्योंकि सलमान सर को ये वो पता लग गया कि कैमरा उस वो में देखता ना मिरर में देख रहा बहुत होता है, एकदम से वो देखता है और वो एकदम शुरू हो जाता है उसके ऊपर कि भाई तू ही था जिसने इसको ऐसे मारा था पहले अंदर और तू आज ऐसे बन रहा है, और उस कितना टाइम पे फेक। सिद्धार्थ ने भाऊ को हमेशा भाऊ भाऊ बोलता था, और उस टाइम पे जब उसने देखा शहनाज रो के, उसने बोला विकास पाठक तूने तूने ऐसा बोला था। हाँ ओ माय वो पता गॉड है व्हाट अ सलमान सर सीन। ने ना उसको रोक लिया था सिद्धार्थ को, क्योंकि उस सलमान सर को ये पता था कि अब ये सच में इसका जुलूस निकाल देगा, और सलमान सर को भी खुंदक आई थी कि इसने कंपैरिजन उसके साथ कैसे किया। और एक बात बताऊं ये सब जो कंपैरिजन है ये मैम के ही चलते आ रहे थे, उनको क्या पता कि पंजाब में इसको किस नाम से लोग बुलाते थे, ऑब्वियस सी हमें बात नहीं है, पता था, ऑब्वियस सी बात है। हमें भी नहीं पता हाँ था। पर मैं यही कहूंगी कि अब वो जितने भी लोग थे ना उसने अपनी इंडस्ट्री का नाम ना मैम से ज्यादा फेमस करा है। 100% हाँ बिल्कुल और पॉजिटिव वे में। बिल्कुल सही, हाँ पॉजिटिव, मैं बड़ी खुश हूँ, क्योंकि ना पता है एक मैंने इसका इंटरव्यू भी देखे थे ना अभी कुछ उनके साथ जो इसके वहां के जो मतलब कि गांव के जो लोग हैं वो ये कहते थे कि ये शहनाज इसका भाई और इसके दो तीन फ्रेंड्स वो जो अमृतसर में जो गुरुद्वारा है ना मुझे तो नाम भी नहीं आ रहा, बाबा दीप सिंह शहीदा साहब साहेब जी, हाँ बाबा शहीदा साहेब। हाँ जी उनके कहते इतनी सेवा करते थे तो उस बच्ची को कैसे फल नहीं मिलेगा। और इसके पापा ने भी तो बोला हाँ था ना जब इंटरव्यू में कि मेरी बच्ची तो ये सोच रही थी कि आत्महत्या कर लूं, है मैंने कहा नहीं, कितनी बड़ी कितना हाँ उसको टॉर्चर किया होगा ना, मैं तो वो पल याद करती एग्जैक्टली हूँ। जेलसी वाले टास्क में भी कितना गंदा गंदा बोल रहे थे, मैं तो कह रही थी एक तो तुम रिपोर्टर लग नहीं रहे हो, ऊपर से अपना देखा नहीं है, मतलब कि बोलना नहीं चाहिए भगवान जी माफ करना तुम्हारी लग भी रही है पर्सनालिटी की यू आर अ रिपोर्टर। रजत शर्मा जी ने सवाल बिल्कुल डिसेंट वे में पूछे थे और वो सब तो ऐसे आप तो फ्लिप करती है बिना रीढ़ की हड्डी है, ये मैंने कहा ऐसे वर्ड्स आपको अलाउ करते भी हैं बोलने के लिए, तब तो बिग बॉस ने भी कुछ नहीं कहा। पर मैंने कहा चल छोड़ना यार और कुछ नहीं होता, तुम बोले जाओ फैंस तो उससे और बन गए इस बात से। आपने वो सीन देखा था जब कनेक्शन वीक में जब ये हाँ
जो मम्मी देख लेंगी बोल रही होती है कि मैं क्या? सबसे ज्यादा शहनाज से हूँ, इसको सब यूज करते हैं। तो मतलब तो सलमान सर बोलते हैं ना, हाँ हाँ सबसे ज्यादा बातें तो तुम ही करते हो, हाँ 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 तुम ही करते सबसे हो। ज्यादा बातें। और उसकी शक्ल देखने वाली थी, ओए ओए और क्या बन गई थी। जब सलमान सर ने ये बात बोली थी, सिद्धार्थ के फेस पे कैसे कैमरा फोकस हुआ था, क्योंकि सिद्धार्थ को हाँ नहीं पता था कि ये पीठ पीछे इतनी बुराइयां करते हैं, क्योंकि उसके सामने तो करते नहीं थे। क्योंकि वो बोलता था ना, जब शहनाज बोलती थी कि तेरे को नहीं पता ये मेरे बारे में क्या क्या बोलते हैं, तो उसने कहा मेरे सामने तो कभी करे नहीं, तो कहते मेरे सामने तो करते हैं ना, तेरे सामने नहीं करते। तब सिद्धार्थ की आंखें खुली, क्योंकि सलमान सर ने जब ये बात बोल दी ना कि तुम तो बहुत तारीफ, और सलमान सर ने ये भी बोला कि शहनाज तो तुम्हारी कभी तारीफ करती ही नहीं है, तुम जितना उसकी तारीफें करती हो। हाँ सही बात है फिर कहती है अच्छा अच्छा मैं बिल्कुल। बैठ जाती हूँ, अच्छा अच्छा मैं बैठ जाती हूँ, हाँ पोल खुल हाँ जाती पोल हूँ। खुल जाती और जाती। सलमान सर ने तो सही पारस की बात भी पोल खोल दी थी कि तुम भी कौन सा ट्रायंगल बना रहे हो। सलमान सर तो बहुत चीजों में इनकी हेल्प करके जाते थे कि वो बोल नहीं पाते थे, लेकिन वो तो अब्दुल्ला की भी उन्होंने बजाई थी कि आप तो अपने आप को इंडिपेंडेंट बोलती हो ना, मेरे को बहुत खुशी हुई थी। क्योंकि पर नहीं, फिर भी मुझे ऐसा लगता है अब्दुल्ला के साथ बहुत पार्शियलिटी की है, यार उसकी वो गेम इन्होंने देखो खोली ही नहीं है। एक बात बताओ, अब जैसे हम आप मैं आपको जानती हूँ, आप मुझे जानते हो, ठीक है ना, और आपकी सिस्टर, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे नहीं अच्छी लगती, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा दिखावा करने के लिए साथ अच्छी क्यों बनूंगी, क्योंकि आप मेरे फ्रेंड हो, कि कहीं आपको हर्ट ना हो जाए। तो ऐसे ही पता है उनके साथ भी ना ये सिचुएशन थी सलमान सर के साथ, और मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ उन्होंने ठीक भी किया। क्योंकि पता है क्या है, फिर लोग ना इस पे भी कमेंट करते कि दोस्त की मतलब लोग जीने नहीं देते ना यार, वो भी तो हमारी तरह इंसान ही है, उन्हें भी तो सब कुछ देखना ही है ना चलो आगे फ्यूचर में। मैं कहती हूँ फिर भी सलमान सर, चलो एक मैं उनको एक पॉइंट देती हाँ जी हूँ, बट बिग बॉस ने भी अब्दुल्ला की हाँ गेम वो तो खुलने नहीं दी एंड तक। वो तो है, ये बहुत देख बड़ी, ये बहुत बड़ी वो तो बेकार है, चीज थी। चाहे अब्दुल्ला की ना गेम भी खुली हो, तब भी वो पोकर राउंड में तो खुली गई थी कि जब सिद्धार्थ कहता हाँ है अच्छा पोकर राउंड में तो खुल गई थी, और मीडिया वाले राउंड में भी जब शहनाज बोलती नहीं है कि मुझे तो आरती ने बोला था ये तो फोन ही नहीं उठाता है और बड़े भाव उठाता है, तो सिद्धार्थ ने बोला अच्छा तो मेरे बारे में ऐसे सोचती है वो। बाकी हाँ बिग बॉस की तरफ से तो मैं कह सकती हूँ कि उसको तो बहुत ज्यादा, वो तो मैडम होटल में आई हुई थी, रिजॉर्ट में आई हुई थी, वो तो उनके लिए एक हाँ, वो था अरे वो कि अपने घर में आई मेडिसिन, थी, हाँ नहीं वो दूसरे किसी, घर में आई थी, नहीं वो दूसरे किसी के पर घर पे आई हुई थी जहाँ पे बस वो खाने आई थी। बस अच्छा एक खाने से ना मुझे याद आया एक बात, सबसे ये पहले ना मुस्कान ने जो सही बात ये बोली है। स्टार्टिंग में ना, अगर आप लोग मतलब सबने ही देखा है, जब इसका फर्स्ट सीन था उसके साथ में रावण के साथ में, जब ये कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे ये आई थिंक ऑरेंजेस काट के ना वो छोटे छोटे पीसेस करके रखे होते हैं, और बोलते हुए भी ऐसे खा रही थी ना, मैंने फर्स्ट टाइम इसका वो उसको खाने का स्टाइल मैंने वहां देखा, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, मतलब यार यू आर अ सेलिब्रिटी एंड व्हाट द हेल यू आर डूइंग, मतलब कर क्या रही है यार, मतलब एक तरीका होता है, कैसे खा रही थी वो सीन को देखती हूँ ना मैं, तो कहती यार सीरियसली मतलब ये स्कूल मतलब एक यार एक टेबल मैनर्स होते हैं, ठीक है वो एक वो चलो ठीक है, तुम वो भी मत करो कि सिखाया जाता है ना खाना कैसे खाते हैं या कैसे करना है, यार तू खा क्या रही है। उसके बाद तो जो मैंने देखना शुरू किया वो हर उसमें जहां कन्वर्सेशन चल रही है शुरू वहां प्लेट लेके, कभी हाथ से लगी हुई है कभी अरे यार ये ना क्या कैसे कैसे नमूने लेके अच्छा आए हैं, आशुनी, मतलब एक तो आपने यार मुस्कान, आपने क्या बोलो क्या मुस्कान बोलो मुस्कान बोलो, आपने एक अनसीन देखा था जिसमें शहनाज और सिद्धार्थ और अब्दुल्ला और आसिम बैठे होते हैं, और उसको बता रही होती है, हाय यार तुम पता नहीं कैसे खाते हो, मैं तभी तो साइड पे अकेली बैठ के खाती हूँ। उसकी बजा रही होती है आसिम के अरे सामने, कहती यार कहती बिल्कुल कहती हमें आसिम स्पून ने से भी तो खाना बोला चाहिए। था, हाँ एक बार ही आसिम ने भी बोला था ना कि आरती तू बड़ी चटोरी है, वो जबकि उसको ताना मार रहा था और इसने बड़े फनी वे में लिया था, वो उसने ताना मारा था क्योंकि ये पता नहीं शायद तरबूज खा रही थी
कुछ तो खा रही थी वो तो कुछ भी खाए उसका मर्डर ही कर देती थी मर्डर ही कर देती थी उसका एक मुझे कुछ भी खाए मतलब कैसे अनसीन क्लिप याद आया मुस्कान की बात से कि ना जब ये सिद्धार्थ की तबीयत खराब थी तो शहनाज ग्लास रूम में बैठे होते मायरा भी होती तो अपना सपना डिस्कस कर रहे थे कहती है हाय मैंने सपना देखा कि अब्दुल्ला ने ना सिद्धार्थ को गोली मार दी कहती है मैं फटाफट से उठी मैंने कहा काहे और कहती है हाय मुझे प्यार आ गया वो ऐसे सो रहा ऐसे मुस्कान ने मुझे सही याद दिलाई उस टाइम पे भी कैमरा जब उसकी तरफ फोकस हुआ वो कुछ खा ही नहीं थी हाँ सीरियसली अब वो सोचो चलो ठीक है एक चीज ये तो दैट इज लाइक समथिंग डिफरेंट है ना सबसे बड़ी बात मुझे इतना मतलब गुस्सा भी आया और मुझे हंसी भी बहुत आ रही थी आई नो कि चल ठीक है आई डोंट नो यार कि उसके साथ वो सच में ऐसा था या उसने एक्टिंग करी थी जो उसका वो अटैक वाला उसने किया था मतलब ऐसे कैसे हो सकता है ना यार कि तुमने सारा खाना खा लिया तुमने है ना सब कुछ चाट लिया प्लेट में सब कुछ खा लिया उसके बाद तुम्हें उनसे याद आया कि अच्छा मुझे ये भी करना था कितने टाइम के बाद तुम्हें याद आया वो बात खत्म भी हो गई कितना टाइम हो गया होगा ना उस बात को खत्म है फिर खाना भी खा लिया आपने फिर आप ऐसे एक्टिंग कर रहे हो रोना वो शुरू किया मैंने कहा यार ये मतलब क्या ही है ये लोग तो एक चीज तो चलो खाना तो चलो छोड़ो खाना खाने के बाद उसने वो पूरा शूट में भी हेल्प की शहनाज की जो वो दिल से दिल तक का हो रहा था उसके बाद पैनिक अटैक आया ये कैसे पॉसिबल है यार भाई तब आया था अटैक या पहले आया था मैंने तो मुझे नहीं पता तो लगा ही उसको नहीं नहीं उसके वो शूट खत्म होने के बाद आया था इसको पैनिक अटैक अच्छा वो बीच में एडिट कर दिया होगा मेरे ख्याल से तो पहले दिखाया था ये नहीं नहीं एडिट नहीं किया था प्रॉपर दिखाया था यार उन्होंने अब दोबारा देखना ऑल एपिसोड जब ये रोड ही होती है ना सिद्धार्थ को बोलती है कि बिकॉज यू लव शहनाज तो उसके बाद उसकी हेल्प भी करी थी वो पहले का ना उसके बाद वो शूट होता है दिल से दिल तक का वो शूट पूरा खत्म करवाती है उसके बाद जाके इसको पैनिक अटैक आता है जब इसको फिर मेडिकल रूम में लेके जाते हैं वो स्टाइल देखा था उसके चलने का तो एटीट्यूड में गई थी कैसे जैसे पता नहीं किसको एटीट्यूड दिखा रही तेरे मासी का बेटा बैठा है ना वहाँ किसको एटीट्यूड दिखा के गई है कि मैं जा रही हूँ तुझे देखने मेरे से पूछा नहीं अरे चलो वो तो छोड़ो कि ये तो अब्दुल्ला थी मोमो आंटी और वो जहरीला दही के पीछे लड़ती थी हाय हाय 2 हफ्ते पुरानी दही खाते थे मतलब हमारी मम्मियां तो इतनी दही पुरानी रखती थी कड़ी बनाने के लिए रखती है ना और ये दही खाते थी मैं कहती थी कितनी मेंटल इनका पेट नहीं खराब होगा दही के पीछे लड़ाई हो रही होती थी और याद है एक वीकेंड का बार में तो सलमान सर ने बोला मैं आपके लिए ना गिफ्ट लाया हूँ ये बड़ी खुश हुई उसमें सारा खाने पीने का सामान था लेकिन वो तो बेइज्जती कर रहे थे कि तुम तो यहाँ पिकनिक मनाने आए हो चैनल वाले कह रहे हैं कुछ करो हाँ मुस्कान ने सही बोला नहीं देखो ना कितनी बेइज्जती और वो चली भी गई थी उठ के चली भी गई है स्नैक्स आए हैं खाने भी मैंने कहा सही है बेटा ये लोग खुद अपनी करवाते हैं फिर बोलते हैं कि हमारे बारे में ना ऐसी बात करते हैं खुद तो तुम करवाते हो अपनी बेइज्जती तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा वो पिकनिक मनाने जाओ उठ के चल पड़ी वहां पे फिर कहती स्नैक्स आए हैं चलो वो तो खोल के खाने इतनी देर में उनको समझ में आया वो शेट यार ये क्या हो गया ये तो हमारी बन गई अमेजिंग यार ये लोग तो शुक्ला जी को सना को देखने से वो कहते हैं ना तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती तो नजारे हम क्या देखें उनको खाने से मतलब वो तो देखता ही कहाँ भाग गई अभी किसके कौन से ग्रुप में जा रही है उसको आधे से ज्यादा टेंशन यही होती थी और सिद्धार्थ भी कुछ चलाता एक बार याद है जब विशाल शहनाज के साथ कैप्टन रूम में बैठा होता फिर शहनाज मनाने आती कहता मेरी जगह पे वो कैसे बैठा वो तो बहुत अच्छा था मोमेंट एक इंटरव्यू में बहुत बुरा लगा था व्हेन शी सेइंग कि शहनाज इज फेक तो मुझे ये लगा था कि इस बंदी ने हर जगह तेरे को सपोर्ट किया है तू बल्कि उसको डिच करती थी उसने कभी सिद्धार्थ को मना नहीं किया कि तू इसको क्यों बचा रहा है क्योंकि सिद्धार्थ भी कहीं ना कहीं ये बात जानता था कि इन्होंने ना यही कहना है कि शहनाज तो खुद है नहीं सिद्धार्थ की वजह से बनी है
ये लोग थे भी ऐसे कहने वाले, इसलिए उसने मौका ही हाँ नहीं वो दिया। तो है मैं तो एग्जैक्टली। अपने, मैं आप दोनों से एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी चलो आप मुझे ये बताओ, आप दोनों को कब ये रियलाइज हुआ था कि अब्दुल्ला जो है वो शहनाज के साथ फेक प्यार दिखा रही है? मुझे फर्स्ट सेकंड डे लगा था, सेकंड डे बताऊं कैसे। जब पारस से ये बात कर रही थी ना कि कनेक्शन बनाना है, तेरा और मेरा भी कनेक्शन बहुत अच्छा होगा और ऐसे होगा, तो वो जो दिल वाला टास्क था ना, जब दिल वाला टास्क था जब शहनाज ने पीपी को दिया था और शहनाज बच गई थी, तो जो सिद्धार्थ है वो कैसे खुश हो जाता है कि यार इसने कितनी बड़ी बात बोल दी, ये वो बोल दिया, ये वो कर दिया। तो उसके नेक्स्ट डे जब टास्क होता है वो हॉस्पिटल वाला टास्क जिसमें सिद्धार्थ बहुत तारीफ करता है, तब आप देखना शहना इसने कैसे बोला था, वो तो कर लेगी, वो तो जट नहीं है, लेकिन माहिदा ने बहुत अच्छा किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फर्स्ट डे से ही जेलस थी, क्योंकि सिद्धार्थ का जो देखने का तरीका था, जैसे हम लोग सोचते हैं कि वो फर्स्ट डे से ही उसके प्यार में डूब चुका था, तो क्या ये तो इतने बड़े महारथी हैं भैया, इन्होंने तो कितनी पीएच मतलब सॉरी, ये तो बहुत इंटेलिजेंट सर्वगुण संपन्न है, तो क्या इन्होंने नहीं देखा होगा, ये तो देवी हैं, दिमाग की देवी हैं, इन्होंने बहुत पहले से देख लिया होगा। और वो तो जितनी कनिंग है ना, आप एक बात सोचो यार, उसकी भाभी तक ने ये बात बोल दी थी कि हमें घर में इतनी शांति है, तो सोचो वो कैसी होगी। हाँ तो फिर मैं वही बोल रही हूँ, मुझे तो फर्स्ट डे सेकेंड डे में तो मुझे लग गया था कि इसको शहनाज पसंद नहीं है, क्योंकि वो पारस के साथ बहुत ज्यादा बोल रही थी कि तू कर कर, और शहनाज ने तब भी ये बोला था अगर मेरा सीरियस हुआ तो मैं डेफिनेटली करूंगी, लेकिन फेक करने के लिए मैं कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि उसने बोला था ना कि उमेश हाँ तो मैं अकेले भी ले सकती हूँ, ये बात उसने बोली थी। अब आप बताओ जैसे कि दीप्ति आपको जी। कब लगा था? मैं अगर बताऊं तो ये ना मैंने फर्स्ट डे भी आके बोला था कि स्टार्टिंग में ना मुझे सीरियसली नहीं रियलाइज हुआ था, मतलब इतना नहीं लगता था कि ये सच में मतलब उसके इतनी अगेंस्ट है। ये तो मैं जब लाइव में आई थी ना, जब मैंने उसका डिकोडिंग सुना, तो मुझे मैंने अच्छा जाके वापस बिग बॉस देखा, तो एक एक मोमेंट जाके मैंने दोबारा देखा, तो मुझे तब समझ में आया, अच्छा यार मतलब इसकी इतनी ऐसी गेम थी। एक तो ना काइंड ऑफ की अगर आप उस टाइम पे रोज देख रहे, मैं रोज देख रही थी ना, तो मैंने इतना वो नहीं किया कि यार जी उसकी कई चीजें तो छुपा दी गई है ना, दिखाया नहीं बिल्कुल कि जिस तरह उसका वो साइड दिखा नहीं उस टाइम पर। लेकिन हाँ कई चीजों में ना ऐसे लगता था जैसे कि जब से ये कैप्टन बनी थी ना, इसका एटीट्यूड ही बिल्कुल बदल गया था कि भाई जैसे पता नहीं इसको क्या ही मिल गया हो। जैसे कभी स्कूल में भी वो होता है ना कि मॉनिटर तो बनी नहीं होगी कभी भी, बस एक वो बैक बेंचर टाइप वैसे ही होगी, तो यहाँ पे आके इसको वो मिल गया, वो भी खैरात में मिला है ना, और दिखा ऐसी रही कि नहीं यार मैंने अपने उस पे कमाया, मेरा वो चीज है। तो कैसे मतलब उस टाइम पे इसका बिल्कुल एटीट्यूड चेंज। और अगर आप किसी को अपना वो दिखाते हो, मुझे बहुत सारी जगह पे ऐसे ऐसे मोमेंट्स थे जो मुझे लगता था कि यार मतलब ये करना क्या चाह रही है, इसके डबल फेस कैसे है ना, कि कभी वो दिखाती है कि मैं उसके इतनी क्लोज हूँ, मैं उसका फिक्र करती हूँ, तू जा उससे बात कर, तू वैसे कर, और फिर एकदम से ही मतलब तुम किसी के भी मतलब कोई बाहर से अभी आया है, मैं उस मैम की बात कर रही हूँ कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन, तो वो बल्ले आई है, बल्ले। उसने आके इसको, हाँ आके इसको बोला ठीक है इनके सामने अपनी दो चार मतलब चार बातें बोल दी कि इसने ऐसे किया वैसे किया, तुम उसकी तरफ हो गई, मतलब तुझे ये नहीं दिख रहा, तू इतने टाइम से उसके साथ में है अंदर, तेरे को इतना रियलाइज नहीं हुआ कि वो क्या वो बंदी क्या है, उसने किया भी होगा या नहीं किया होगा। इनफैक्ट उसी डे उसने उसके आने से पहले बोला भी है कि मेरी ऐसे ऐसे कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी और मेरे को मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, है ना। एक तो वो तेरे साथ शेयर कर रही है अपनी पर्सनल चीज जो उसने अभी तक शो में बोली भी नहीं थी उसने, और उसी दिन देख लो वो हो गया कि वो भी आ गई वहां पर, फिर उसने उसकी अपनी कहानी सुना रही है। मतलब तुम्हारा किसी के साथ रिलेशन इतना मतलब वीक है कि कोई तुम्हें आके कुछ भी बोल देगा तो तुम उससे क्लैरिफाई नहीं करोगे जाके, तुम उसको ऐसे एटीट्यूड दिखाओगे जैसे सारी गलती तो तेरी है, मतलब तू ही गलत है उस चीज में। फिर मुझे समझ में आना थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ कि यार ये तो ना मेरे को लगता है सिर्फ गेम के लिए कर रही है, कि इसको और कुछ मतलब नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है कि क्या इसका उसके साथ में रहेगा। भाई कैसे
कैप्टेंसी इट्स नॉट ना कि पूरे इंटायर बिग बॉस सीजन के लिए, एक हफ्ते के लिए तो है, एक हफ्ते के बाद तो क्या करेगी फिर तुझे, फिर अपने साथ में जरूरत तो पड़ेगी ना, यानी जो तेरे ग्रुप में तेरे को जिसने बनाया कैप्टन या जो भी तेरा साथ अभी तक तेरे को लेके आए यहाँ तक, है ना, तो उन्हीं को ही वो कर रही है, वो का एक वो एक्टिंग करके दिखा रही थी वहां पर जब वो घर का काम करवाना था, तो उसको बोलती है कि आसिम को कि ऐसे मतलब तुम काम कर ले, सब लोग बोल रहे हैं, बोला किसी ने कुछ नहीं था, वो जान वो उनको भी समझ में आ रहा था और हमें, मैंने कहा यार हमें तो दिखाया नहीं कि किसी ने इसको बोला हो इस तरीके से कि तू ऐसे काम कर ले या कुछ कर ले, मतलब कि दूसरों का नाम लगा के खुद भी अच्छे बन के रहना कि मतलब मैं गलत ना दिखूं इनकी नजरों में भी और अपनी बात भी मतलब कह देनी, तो समझ में तो सबको ही आ रहा था धीरे धीरे। फिर मेरे को लेकिन फिर कई बार ना ऐसे भी लगता था नहीं यार ये तो ना उसको बोल रही है कि तू जा उससे बात कर, मैं तो सच में वैसा चाहती, तो कई बार ना मतलब मेरे को लगता था यार पता नहीं ये ऐसे कैसे वो दिखा रही है अपना अलग ही, कभी कुछ हो जाती है कभी कुछ हो जाती है। फिर वो जो वो अटैक वाला हुआ था वो तो मुझे इतना वो लगा ना, मैंने कहा यार मतलब जो जिनके साथ सीरियसली ऐसी कोई प्रॉब्लम होती होगी ना तो उसका भी मतलब ये लोग कुछ भी करते हैं ना कैमरा पे आने के लिए ना, दे कैन डू एनीथिंग, है ना, और सिंपैथी गेन करने के लिए कुछ भी तुम करो। मुझे वो टोटली फेक लगा था और मुझे इतनी हंसी आई थी ना, मतलब उस टाइम पे मेरे को ऐसा दो मिनट के लिए मुझे लगा, फिर जब मैंने इसका देखा ना मैंने कहा यार ये तो खाना भी खा चुकी है और उस बात को हुए मतलब टाइम भी हो गया और एकदम से तुझे खाना खाने के बाद तुझे याद आया, उसको देख के तेरे हाथ से चम्मच गिर रहा है और तू क्या मतलब दिखाने की कोशिश कर रही है और तू उसको बोल रही है ऐसे तुमने उसका वो साथ दिया तुम्हें वो पसंद है, ये मतलब तू कहना क्या चाहती है बहन, तू पहले ये तो क्लियर करके जा कि तेरे दिमाग में चल क्या रहा है, तूने डायरेक्टली बोलना भी नहीं है कुछ कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है और फिर तुझे ऐसे दिखाना है कि नहीं तू तो बहुत कंसर्न है मैं भी उसी वजह से उसके साथ थी, तू तो फिटे मुंह तेरे तेरे तू किसी से किसी से नाल नहीं मेरे इतना। मुझे मुझे लगता है सेकंड वीक नॉमिनेशन टास्क में जब वो खिड़की वाला टास्क हुआ था ना, हालांकि उससे पहले शहनाज ने आरती को ये चीज बोल दी थी कि मेरा अगर होगा तो रियल होगा नहीं तो मैं फेक नहीं करूंगी, और उसी उसके दो तीन दिन बाद ही आरती ने रात को शहनाज को बोला था जब वो वाला टास्क हो रहा था क्वीन वाला, तो उसने बोला था ना क्वीन टास्क में कि देख शनाज वो पारस ऐसा कह रहा है कि वो तेरी वजह से सबसे दुश्मनी नहीं ले सकता, और सडनली जब मतलब इसने उसको नॉमिनेट कर दिया और उसको आके बोल रही है मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है पर फिर भी मैं उसकी आंखों में देख के कह सकती हूँ कि वो तुझे बहुत प्यार करता है, तो मुझे हाँ, तब बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव लगी थी। उसके बाद जब मुझे श्योरिटी हुई थी ना वो हुई थी रोज टास्क में जब उसने आसिम को ये कह के बोला था कि नहीं तू रोज मेरे को देगा क्योंकि शहनाज पे हमें भरोसा नहीं, उसने आसिम का माइंड ब्रेन वॉश कर दिया था उस टास्क में, तो मुझे ये लगा था कि शी इज वेरी कनिंग। वो तो है ही, वो तो है ही, वो तो मुझे पता है और उसके बाद मुझे हाँ जी उसके बाद ना मुझे एक चीज पे बहुत गुस्सा आया था, अगर आपने अनसीन देखा हो जब ये वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हुई थी तो इन दोनों का मतलब ये आपस में ये दोनों बात नहीं कर रहे थे सिद्धार्थ और शहनाज, तो अब्दुल्ला सिद्धार्थ के बेड पे बैठ के और साथ में जेबला भी बैठी है और हमारी बिल्ले बिल्ले भी बैठी है, तो उनको उसको बोल रही है जेबला को अब्दुल्ला कि देख कि देख मैं ना किसी बंदे को ये नहीं ट्रस्ट करती, ये नहीं जज करती कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया है, मैं ये जज किया करती हूँ कि उसने उसके साथ क्या किया है, है? तो उसने ना देख मैं तेको बता रही हूँ उसने ना मेरे लिए बहुत अरदास की है बाबा दीप सिंह जी से क्योंकि वो उनको बहुत मानती है, उन्हें बोला था कि आरती को प्लीज एविक्ट मत करना, और इससे तेरे को पता है उसने तेरे लिए इतनी प्रे की है तो फिर उसके अगेंस्ट ही बोल रही है उसको, मुझे ये चीज ना मतलब एक होती है ना बड़ी गंदी सी फील हुई थी। उसके बाद तो वो मुझे कभी पसंद नहीं आई। मैं तो सीरियसली बताऊं मुझे तो शायद मैं यही बोलूंगी कि पूरे घर में से जितने भी थे मुझे फीफी
शहनाज और सिद्धार्थ, फीफी इसलिए क्योंकि वो सपोर्ट करते थे इन दोनों को, इसलिए वो मुझे थोड़े बहुत ठीक लगते थे। लेकिन मैं तो सिद्धार्थ को सही बोलती हूँ, उसने बिल्कुल सही देखा कि ये लड़की बिल्कुल सही है। और पता है सीक्रेट रूम से आने के बाद उसको ये पता था कि ये बंदी मेरी मेरी है, ये कहीं नहीं जाएगी, इसलिए वो उन सब की गेम में ना इसको दूर रखता था। पर यार फीफी भी बहुत मैनिपुलेटिव थे, वो भी बहुत ज्यादा उसकी उसकी रावण की बातों में आके उसको बार बार बोल रहे थे नहीं वो तेरे से बहुत प्यार करता है, वो तेरे से बहुत प्यार करता है। लेकिन बड़ा ड्रामा किया उन्होंने, एक काम बड़ा अच्छा जब दोबारा आए थे, जब दोबारा आए थे। नहीं, एक पता है अनसीन अनदेखा है जिसमें ये क्लिप था कि शहनाज ने पूछा भी था, अच्छा वो आपके साथ बैठा था उस दिन, वो क्या बात कर रहा था, जिसमें फीफी पर मुझे अच्छा पर नहीं पर मुझे लगता है कि वो रावण की बात कर रहे थे। नहीं, वो सिद्धार्थ की बात थी, वो सिद्धार्थ की ही बात थी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मेरे पास वो है भी क्लिप जिसमें उन्होंने पूरा नाम लिया है। क्योंकि याद है वो जब सिद्धार्थ सना सिद्धार्थ और फीफी बैठे होते हैं और सना वहाँ डाइनिंग टेबल पे खाना खा रही होती है ना, तो फिर वो आती है, तो वो फिर वो उससे बातें करने लेते, कहते अच्छा ये सिद्धार्थ, वो कहते अच्छा सिद्धार्थ क्या बात कर रहा था, वो तो यही कह रहे थे कि नहीं मेरी तो लाइकिंग है, ले आऊंगा इसे बॉम्बे, ये कर पर लूंगा। मुझे मुझे मतलब ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि वो सिद्धार्थ के बारे में पूछ रही होती है, पर जो उनका आंसर होता है वो रावण के बारे में होता है, तो बाद में वो पूछती है कि इसने सिद्धार्थ क्या करा था, तो बोलती है अच्छा सिद्धार्थ क्या करा था, तो वो इतनी बात कट गई। वो अब अरे ये ध्यान से देख एडिट रहा है भी एक बार था क्लिप। बताऊँ, ये एडिट भी हाँ बहुत करते हैं, लेकिन ये वाला ना इंडियन उसमें नहीं है, ये जो बाहर का जो दिखाया था ना जो सीन है उसमें है, क्योंकि मेरे पास भी है ये, मैंने ना रखी हुई है यूट्यूब में अपने पास स्टोरी, क्योंकि मैंने ओके कहा ओके हाँ ये मेरे पास है ये स्टोरी, और मैं तो बता बस वही देखते, तो मुझे लगता है कि सिद्धार्थ तो फर्स्ट डे से मतलब कि जो भी हो जब से भी इम्प्रेस हुआ, और तब से मेरे को तो पता है कि वो गाने पे नहीं कर रही होती लेजी लम्हे जो पूल में पैर हिला रही होती, सिद्धार्थ की हाँ शक्ल देखने वाली थी, बंदा तू कर ही जा, मैं तो बस तेरे को यही एक वो भीगे होश पीछे और बैकग्राउंड एक म्यूजिक भी दे रहा होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी दे रहा था। हाँ हाँ कह रही बता मेरे को वो एक तो भीगे और तेरे में तो मेरे रोंगटे खड़े हुए, और इसमें मैं ये देख रही हूँ कि चल बंदा थोड़ा राइट लेफ्ट कहीं तो देखता है, वो बंदी पानी में छप छप छप, ये बंदा निहारने में टक मैंने कहा सही बोला, दोबारा बोलो। मैंने बोला वो बंदी पानी में छप 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 और ये बंदा देखने में टक टक टक, ना राइट देख रहा ना लेफ्ट, सीधी नजर फोकस ही वही है मेरे को बड़े अच्छा लगता था। और जब इनके वो से नाज मोमेंट हट जाते थे ना, मुझे बड़ा बुरा लगता था, थोड़ा और तो दिखा दो, थोड़ा और तो वो दिखा भी तो दो अच्छा था, चिकनी चमेली कैसे देख रहा था। ओह माय गॉड, हाँ बस भाई वो तो बिल्कुल ही अलग हाँ था। हाँ भाई, याद नहीं है जब सलमान सर कहते हैं कि मुबारक हो तुम्हारी शादी को, जितनी जनता जनार्दन आई होती है फालतू में वेले लोग, सबके रंग उड़ जाते हैं कि भाई ये क्या बोल दिया, और सिद्धार्थ के तो ब्लश ही सातवें आसमान पे उड़ रहा होता है, वो तो सुपरमैन बन चुका होता है उसमें कि अब तो मैंने किले मत उतार दे क्योंकि मुझे सलमान सर ने बोल दिया है कि भाई शादी होगी तुम्हारी लेकिन एक सीन मुझे वो विक सबसे अच्छा लगा था। ऐसे लग रहा था जैसे घर में शादी और सारे मेहमान आ रहे हैं, चाचे ताए आ रहे हो, और सबको ये टेंशन थी कि उनकी दूल्हा दुल्हन कहाँ सोएंगे। हाँ अगले अगले दिन क्या होने वाला है, कौन कहाँ उठेगा वो भी चल रहा था, अमेजिंग यार सीरियसली में। पता है ये तो दोनों अपना घर घर जैसे, ये तो मियाँ बीवी अपने आपस में इन लड़ाइयां होती थी पड़ोसियों की, ये अपने घर में लड़ने जाते थे सही बात है। अरे कि नहीं पता है, इवन दूसरे भी लड़ रहे होते तो कैसे भाग भाग के जाते, चल 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 लड़ाई हो गई, बहुत कैसे
भागते हुए जाते थे। ओहो मजा आता था देख के यार, दोनों एक साथ उठ गए इधर और वो कहती है लड़ाई, वो अपना मजाक में लड़ रहा है, तेरा सीरियस हो जाता है, चल तू अंदर। और जब वो आरती कहती है ना, इसको तुम्हें क्या अच्छा लगता है, चप्पल बंदी, डिप्लोमेटिक आंसर मत दे मत दे, वो भी बच रहा होता है कि है तेज ना तेज ना लग जाए बस, पता है। अच्छा तब जब उसने वो चप्पल मारी थी तब भी तो सलमान सर टोक सकते थे ना उस अगले वीक में, लेकिन सलमान सर ने पता है क्यों टोका था, क्योंकि ये जो जो बड़े सीरियस लवर थे ना वो थोड़ी ओवर एक्टिंग ज्यादा दिखाने लग गए थे, तो इसलिए यही बात सलमान सर ने टोका था, वरना उसमें तो उसने, मेरे को तो हाँ। वो सबसे बेस्ट लगा था, मैंने कहा यार सही तो करे जुत्ती डिप्लोमेटिक आंसर मत दे भैया, उसके रंग उड़ गए कि यही उतार ही ना दे मेरी तो इसके सामने। और वो भी बड़ा चालाक था, वो भी कहता है और पूछ मैं बताऊंगा, मतलब वो भी जानबूझ के ना करता था उस, अरे पता है वो क्लिप नहीं देखी थी उसने आरती को कैसे साफ अब्दुल्ला को सॉरी बोल दिया था कि तुम मेरी कोई अच्छी दोस्त नहीं थी, ये प्रिटेंड करना बंद कर दो, हम सिर्फ गेम के लिए हैं, हाँ जो भी है कहती है, फिर भी बोलती है हमारा नेचुरल, कहती है कोई नेचुरल नहीं है, वो ये भी बोलता है, तब भी पता नहीं कौन से ख्यालात में खोई हुई होती है बंदी। अरे अरे उन्होंने उस क्या नाम है, सिद्धार्थ ने तो उस टाइम पे भी अब्दुल्ला को टोका था, जब इसको इन दोनों को जेल हुई थी ना तब भी टोका था उसको। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो कहता है तू इसलिए मेरे साथ है क्योंकि मैंने तेरे को एक बार बचा दिया, अब जब मैं नहीं बचाऊंगा ना फिर तेरी लॉयल्टी नजर आएगी। वो तो है ही, वो तो उसको भी समझ में आ गया था ना उस टाइम पे, देखो स्टार्टिंग से ही कि भाई जब तक मैंने तेरे साथ वो किया इसलिए तू यहाँ पर आया, अदरवाइज तू पूछती भी नहीं, है ना, स्टार्टिंग से उसके कलर उसको नजर आ गए थे कि मेरे को तो पता है क्या एक बंदी। एक सीन मुझे भी याद आया, मेरा बड़ा मन करता था कि मैं बताऊं, जब ये बल्ले बल्ले आई थी सेकंड उसमें कनेक्शन वीक में, जब शहनाज का बर्थडे होता है तो कैसे बोलती है अब ये मेरे लेवल पे आ चुकी है, और तब अब्दुल्ला और टकला भी खड़ा होते हैं, है ना दोनों, तो सिद्धार्थ पता है जानबूझ के क्यों इतनी तेज तेज बोल रहा था, वो एक्चुअली में इन तीनों को ही इन्वॉल्व करवा रहा होता है कि तुम तीनों कुछ भी नहीं हो, ये बहुत बढ़ चुकी है आगे, और वो इन तीनों का भी मुंह बंद इसलिए करवा रहा होता है कि ये अंदर जाके कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग ना करे, कि हम इसको अपनी बातों में फंसाएं, कि इस इनको तीनों को ये समझ में आ जाए कि मैंने भी ये बात सुन ली है, वो इसलिए चिल्ला रहा होता है, वरना सिद्धार्थ ऐसे शाउटिंग में इसको समझाएगा, वो आराम से बैठ के समझाता है इसको, और उसको इस चीज वो पे भी गुस्सा आ रहा होता है कि वो दोनों बैठे होते हैं और फिर भी उसकी बेवकूफ वाली बातें सुन रहे होते हैं, मतलब वो शहनाज को नीचा दिखाने के लिए। तो वो जान के बोलता है कि तुम बोलो ना बोलो, मैं तो अपनी बंदी के लिए बोलूंगा, बोलूंगा, और वो उसको वो अब्दुल्ला इनडायरेक्ट की वे में सारी इंडिकेशन दे गेम रहा होता पता है। थी, उसको अब्दुल्ला की सारी गेम पता थी, क्योंकि उसको पता था ये इतनी कनिंग है कि ये किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी हद तक, और अभी भी जैसे वो जब बिग बॉस ओटीटी आया था तो किसी ने लाइव में ही लिखा हुआ था कि, और हाँ किसी रिपोर्टर ने पूछा आपने देखा वो करण जौहर के, उसने वो गए थे, कहते मैंने नहीं देखा, तो किसी ने नीचे कमेंट में लिखा हाय अब्दुल्ला कुछ तो झूठ बोल, तूने तो अभी स्टोरी डाली हुई थी स्टोरी में क्लैटिन भी के डाली थी। साथ हाँ सही बात है। वही उसके इंटरव्यू के नीचे किसी ने कमेंट, और वो भी कोई लड़का था, मैंने कहा बंदे की दांत देनी पड़े ये कैसे हिम्मत है। लिखा हुआ अब्दुल्ला कुछ तो शर्म कर ले, ताली तो तूने बजाई सही बात है। अरे मैंने प्रॉपर कोई, स्टोरी डाली थी यार उसने। वही तो, और कैसे झूठ बोल दिया मैं भाई, सिद्धार्थ मुझे लगता है मन सुन का, गया। सिद्धार्थ का लेवल ही अप है, तभी तो उसे सना पसंद आई है, हमारी करोड़ों में एक बंदी हम उसके फैन है, तो सिद्धार्थ को नहीं पसंद आएगी वो। हेलो हाँ जी हाँ जी सही या, बात है। या बहुत अच्छा कन्वर्सेशन चल रहा है, कंटिन्यू। अब बस हाँ वो कंटिन्यू, मेरे को भी जाना वो तो मैं अभी आज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कल संडे है और परसों जन्माष्टमी है, तो फिर थोड़ा रिलैक्स है, 2 दिन की छुट्टी है, तो मैंने कहा भी जितने भी हफ्ते का देखा है ना, जितना भी ये मिला है सब निकाल दूँ यार, लेकिन मुझे तो बड़ा अच्छा लगा जो भी मैंने देखा है,
मैं तो बोर नहीं होती, मैंने तो इंस्टाग्राम पे इन्हीं की स्टोरियां सब कुछ इन्हीं को ही फॉलो किया मैं बस। अरे हेटर्स तो उन बिचारों को भी नहीं छोड़ रहे जिनके साथ उन्होंने फोटो खिंचवाई है, तो फिर वही तो। तो इनका क्या कसूर ये है। मुझे तो एक सीन में वो भी बड़ी हंसी आई थी जब सिद्धार्थ उसके पीछे से पकड़ता है और पॉइंट आउट करता है, खुल्लम खुल्ला प्यार हाँ करेंगे। ये होय मायरा, ओ सॉरी, छिपकली की शक्ल देखी थी, माय गॉड, जेबला भी मैंने कहा था। छिपकली तो सड़पुन के बाहर चली गई थी। अब्दुल्ला जी अच्छा फेक स्माइल देखी थी। अब्दुल्ला की नहीं। अच्छा आपको ऐसा लगता है वो मुस्कान का कि या छिपकली इंटरेस्टेड लगती थी आपको भी सिद्धार्थ में फर्स्ट डे से है? मतलब क्योंकि मैं छिपकली की ना ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, मेरे को तो वैसे ही इरिटेट लगती थी उसकी आवाज ही सुनती उसने थी ना मैं कहती थी। उसने तो स्टेज से ही लाइन मारनी शुरू कर दी थी। आपने देखा नहीं, स्टेज पे ही उसने सिद्धार्थ को चूज किया था। मैंने जो मेरा एंट्री का था ना, मैंने सिर्फ सिद्धार्थ और शहनाज को देखा, बाकी सबको तो 20-20 सेकंड आगे बढ़ाती गई हूँ ना, क्योंकि मैंने इसमें टीवी में नहीं देखा था, मैंने वूट पे देखा था। और तभी तो मैंने कहा था अपने लाइव में कि मेरा लॉकडाउन इन्हीं की वजह से अच्छा बीता था, क्योंकि मैंने देखा ही है इस और वजह जो से। वो वाला टास्क हुआ था ना, क्वीन वाला टास्क, हाँ जी हाँ उसके बाद जी जो ये ब्लैक ब्लैक रिंग्स देने थे, उसमें तो उसने ओपनली बोला था कि आप किसी और को भी अपने साथ इन्वॉल्व होने का मौका दीजिए। तो सिद्धार्थ ने बोला नो थैंक यू। हाँ, अब देखूंगी हाँ देखना। देखूंगी अब। और आपको जस्सी जी जस्सी जी आई थिंक चले गए। हैं? ओहो, मैंने तो देखा ही नहीं, क्योंकि पता है क्या है, अभी मैं लाइव सुन रही थी ना, जो जो मैंने अमन के जो प्रीवियस लाइव सुने उसमें भी सब बोलते थे कि इसने एक बार ये भी टॉन्ट मारी थी, अगर सीट खाली होती तो बैठ जाती। खैर मैं तो इसकी बातों पे ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि मुझे ना इससे तब नफरत हो गई थी, मैं सच्ची बताऊं कि जब वो फर्स्ट वीक में इसने बहुत गलत गलत बोला था ना शहनाज को कि वो क्वीन वाले टास्क में, फिर उसके बाद भी जब शहनाज ने ये बोला था कि हम वो जब स्नेक एंड लैडर वाला टास्क हुआ था तब इसने इसको बहुत गंदा बोला था शहनाज को, तो मैंने कहा था कि वैसे तो ये इतनी अच्छी बनती है, आसिम को इतना वो मतलब इतना प्यार कर रही थी, अरे मेरा ये, और अब किसी लड़की के बारे में इतना गंदा गंदा बोला जा रहा है और ये कैसे बोल रही है। और जब इसने सिद्धार्थ को हल्क बोला था ना और बुढ़ा बोला, मेरा तो मन किया था कि चांटे मार के हूँ कि तमीज क्योंकि नहीं है। क्योंकि ना छिपकली अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी, चाहती थी कि वो सिद्धार्थ के साथ कनेक्शन बनाए, क्योंकि सिद्धार्थ एक फेमस पर्सनालिटी था। तो जब उसने भाव नहीं दिया तो इसने रावण के साथ अपना कनेक्शन बना लिया। और इसने फिर जब इसने देखा कि जो शहनाज है, ये चाहती थी कि शहनाज इसका और रावण का ट्रायो बने, ठीक है। अच्छा लेकिन जब इसने देखा कि शहनाज इनकी बातों में आ नहीं रही है, वो सिद्धार्थ के साथ उसका कनेक्शन बन रहा है, तो इसने उन दोनों को टारगेट करना शुरू कर दिया। तो वो इसकी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी कि मेरे को उसने चूज नहीं किया, मतलब मेरे को वो भाव नहीं दे रहा, मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ, इतनी बबली हूँ, जो भी है एक्टिंग कर रही थी। तो इसने शहनाज को कैसे अपना फ्रेंड बना लिया, तो ये सब कुछ उसने फ्रस्ट्रेशन में किया। मेरे को तो शुरू से ही नहीं अच्छी लगती थी, मेरे को स्टार्टिंग में ना, फिर भी जैसे जो ये हमारे आसिम जी है ये थोड़े ठीक लगते, तो जब उसने लड़ाई लड़ ली ना, फिर मेरे को तो सिर्फ दो ही, मैं कह तो रही हूँ ना कि अभी जैसे आपने फीफी का बताया कि वो भी मैनिपुलेट करता था, तब तो मुझे लग रहा है कि हाँ, क्योंकि हम अपने नजरिए से कुछ और देखते हैं। तो जब मैंने ये लाइव सुने और जब ये डिकोडिंग सुनी वही जस्सी जी ने कहा ना, तब हमारा भी नजरिया ना चेंज हो गया। पर मैं हाँ जी सीरियसली कहती हूँ कि यार अगर कोई मेरे करेक्टर पे ऐसे बोलता ना, मैं तो पागल हो जाती कि कैसे यार, कितनी बेइज्जती। और पता है ये लोग तो वर्ड ढूंढते थे कि किससे वो लड़की इरिटेट हो जाए, भाई तू घर से भागी हुई है, ये भागी है, और उसके एक्चुअली पापा ने कितना
इंटरव्यू में क्लियर भी किया कि कोई भागी नहीं हुई थी, हमने चंडीगढ़ में फ्लैट दिलाया हुआ था, ये अपनी मासी के साथ रहती थी। कैसे से से बोल देते थे। हाँ बोलो आप बोलो। नहीं नहीं वैसे भी आप पूरी बिग बॉस की अगर जर्नी देखो तो सिडनास वर्सेस ऑल थे, और किसी का टारगेट यही दोनों होते थे, इन दोनों को नीचे दिखाओ और अपनी गेम अच्छी करो। वही तो, तुम कहाँ से अच्छे इंसान हो, बंदा बेड पे है तब भी तुम मौके की ताड़ में हो कि इसको कैसे नीचा गिराया जाए। ये बात सोचो, पहले तो मैं सोचती थी कि टकला चल अच्छा हो गया टीचर वाले टास्क में शहनाज के साथ है, लेकिन वो कभी था ही नहीं, उसकी तो मोमो आंटी के साथ आंखों ही आंखों में बातें हो जाती थी पूरी। वो तो 100% वो तो किसी के, वो तो शुरू से ही मोमो के साथ था, एंड तक मोमो के साथ था, मोमो के साथ ही था। और अच्छा हुआ उसी क्योंकि, के साथ क्योंकि आप ध्यान से, क्योंकि अगर आपने वो देखा हो एक अनसीन नहीं था शायद, जब ये चाय फाइट होती है तो ये दोनों के बीच में नहीं आता, ठीक है, और उसके बाद बाथरूम में जाके राम, राम क्या रामलाल को बोल रहा होता है कि भाई मैं नहीं इन दोनों की फाइट में आता है, तू उसको समझा, मतलब उसकी साइड ही ले रहा होता है मोमो की, अच्छा तो मैं कहेगा उसका दोस्त है। पर रामलाल ने ना बाहर आके जो लाइव में सिद्धार्थ की तारीफ करी ना, तब मैंने कहा कि शुक्र है इस बंदे को अकल आ गई। हाँ, मतलब क्योंकि मैं ये पहले उसका सोच ब्रेन वॉश हुआ हुआ था ना, उसको तो असलियत अंदर जाके पता चली मोमो की। यार 2 साल से, अब मैं आपकी आप कहाँ रहते हो, मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं, आप दिल्ली मैं में ही रहते हो। दिल्ली। हाँ जी, आप कहाँ रहते हो? मैं भी दिल्ली में रहती हूँ प्रीतमपुरा के पास। आप, अच्छा, मैं इधर मोतीनगर। अरे चलो कभी मिलेंगे। हाँ हाँ पक्का पक्का। है, मिलेंगे, आप मुझे ना मैसेज कर देना, मैं आपसे मिलने आऊंगी जरूर। ठीक ठीक है, है, ठीक हाँ पक्का है, मिलेंगे, चाहे पैसे में ही मिले। हाँ अभी मैं क्या बता रही थी, हाँ कि मैंने ना एक इंटरव्यू में देखा कि रामलाल ने तारीफ करी थी सिद्धनाथ की, उन्होंने कहा था कि ये वाकई में दोनों सही थे, बस मेरा ही गलत है। और उसने तो ये भी बताया कि मैंने तो 2 साल पहले ही सब कुछ बता दिया था, लेकिन उस टाइम पे मुझे गुस्सा ही आ रहा था कि मैंने सब कुछ सच बता दिया फिर भी मुझे गलत दिखाया जा रहा है। तो और वो फिर तो मैंने हमें अंदर ही पता चल गया था, क्योंकि देखो जिस दिन सलमान सर ने इसकी पोल खोली थी, ठीक है, उस दिन मोमो ने क्या कहा था कि मुझे शादी का पता था, बच्चे का नहीं पता। लेकिन सलमान सर ने उनको उसको पहले शादी का भी नहीं बोला था, इसने खुद एक्सेप्ट किया था सर मेरे को शादी का पता है, और उस सलमान सर ने बोला था कि आपको पता है इसके बारे में, तो कहती शादी के बारे में, इसने खुद बोला, ठीक है। बाद में पलट गई कि मेरे को तो शादी के बारे में भी नहीं पता था। जब वो देवली, सॉरी लीना आई थी कनेक्शन वीक में, तो ये पलट गई थी कि सर मेरे को तो उसकी शादी के बारे में भी नहीं पता था। एक बात बताऊं, पता तो अब्दुल्ला को भी सब कुछ था, क्योंकि जब वो सब आसिम कुछ को कहती है ना कि ये बड़ा जेन्युइन बंदा है, मैं इससे बाहर मिली हुई, जब वो कैप्टन बनती है और सलमान, और जब लड़ाई हो रही होती कहती है इसने तो मुझे कभी नहीं बताया, और मैंने कहा उस टाइम पे तो आसिम के सामने ये कह रही थी ये तो बड़ा जेन्युइन बंदा है, बड़ा डिसेंट बंदा है, और अब कह रही है मैंने कभी बात ही नहीं की। मैंने कहा कितनी दोगली और झूठी है ये बंदी। अच्छा, अब्दुल्ला ने इसके साथ भी कनेक्शन बनाने की कोशिश की थी, जब किसके तक साथ? मोमो की, रामलाल के साथ, हाँ जब तक मोमो की एंट्री दोबारा नहीं हुई थी ना, उसने कोशिश की थी। जब रामलाल इसके मतलब नहीं तो आया, तो उसको अगेंस्ट बोलना शुरू हो गई थी। वो तो पता नहीं, उसने तो सबके साथ करी है, और उसने तो इनफैक्ट विशाल के साथ भी करा था, लेकिन विशाल ने तो इसकी जो बेइज्जतियां मारी थी ना ये दूर हट सही गई। गेम उसने खोली थी, विशाल ने इसकी सही गेम खोली थी, सही तभी तो गेम पैनिक खोली अटैक आ गया था बेचारी को। भाई, दही खाली बंदी ने तब भी पैनिक अटैक आया, बताओ सोचो, दही खाने के बाद कौन सा पैनिक अटैक आता है। सीरियसली में ना एक्टिंग में तो एक इसको और एक वो मैम जो बल्ले बल्ले आई थी उसको, हां जी हरमन बोलिए, हरमन ने तो जो उतारी थी, मैं तो उस बंदी को फूलों के हार, बुके, चॉकलेट, पता नहीं क्या क्या दूं कि उसने इतनी अच्छी हमारी शहनाज के जो उसने बढ़ाई करी है, मैं बड़ी खुश हुई थी, कैसे सीधी बन रही थी ना, सब अच्छा हो गया था सीरियसली में। सही।
क्योंकि पता है क्या है, जो इंसान सही होता है ना और वो कुछ नहीं बोलता, तो जो और लोग होते हैं ना जो उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, वो चाहते होते हैं कि हरी इसका पता लगे। पता है उस टाइम पे तो कितने लोग दुआएं भी करते होंगे कि हरी इसकी सच्चाई, और कि जितने भी लोगों ने इसके लिए प्रेयर करी है, चाहे वो सिद्धार्थ के लिए प्रेयर करी हो चाहे वो शहनाज के लिए, आज वो रंग ला भी नहीं है। और मैं तो कहती हूँ बाबा जी ये आगे भी तरक्की ही करे, दोनों दोनों अपने मम्मी पापा का नाम और एक साथ खुश रहें, और इतने खुश रहे कि हमें सच कि हम एक दिन जोरावर को भी देखें। जोरावर को, उसकी बहन को, सबको देखें। सही में मैं तो दिल से यही प्रेयर करती हूँ, क्योंकि ना मुझे इनका दे प्यार ना फेक नहीं लगता, मुझे सच में इनका प्यार रियल वाला ही लगता है। और जो हम मैं एक्चुअली में भी चाहती हूँ कि ऐसा प्यार ही होना चाहिए, दिखावे वाला प्यार जो ये मीडिया के लिए होता है ना, मैं तो उनको देखना ही नहीं पसंद करती, पर काफी मुझे, बेकार और है। मैं एक चीज बताऊं, मतलब जैसे सारे कहते रहते हैं कि हाय हमें नजर नहीं आए, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि यार इनको थोड़ा कम ही आना चाहिए नजर, हाँ क्योंकि वही ना तो, लोगों के अंदर ना क्यूरियोसिटी बढ़ी रहेगी, रोज नहीं आना चाहिए उनका मोमेंट्स, वो तो कि रोज है, उनको नहीं आना चाहिए। हाँ, एक तो क्यूरियोसिटी बढ़ी रहेगी, और दूसरी ये वैल्यू चीज बढ़ी होती है अगर ये, रहेगी। हाँ ये भी चीज है, और पता क्या कि बुरी नजरों से वो थोड़ा सा दूर भी रहेंगे सही में। बेसिकली। और ये जो हेटर्स वगैरह है ना, इनको भी थोड़ी कम स्टोरियां डालने को मिलेंगी। अब जैसे ज्यादा मोमेंट्स आ गए तो हेटर्स भी ज्यादा एक्टिव हो गए, पीआर एक्टिविटीज हाँ इनकी ज्यादा स्टार्ट हो गई, वो तो पता है, जितना कम नजर आएंगे ना वो उनके लिए ज्यादा अच्छा है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मुझे ये कहीं से भी फैंस नहीं लगते, मुझे ये हेटर्स ही लगते हैं। क्योंकि मैं इतना जानती हूँ कि अगर जब भी सिद्धार्थ की BB3 आई थी ना वेब सीरीज, तो तब शहनाजी ने भी पूरा सपोर्ट किया था, और जब शहनाज का कुछ आया था तो सिद्धार्थ ने भी, तो मुझे तो भाई नहीं लगता। और मैं उनसे, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना हो सके इन दोनों को इतना ट्रेंडिंग में लाओ कि ये वर्ल्ड की नंबर वन जोड़ी बन जाए, मैं ये तो वो चाहती तो हूँ। होने ही वाली है ना, अब इनका हैशटैग 10 मिलियन हो जाएगा तो वर्ल्ड ओ नंबर वन हो माय ही जाएगी, गॉड, थैंक वैसे यू तो हो बाबा ही जी। गई है, वैसे तो हो ही गई है वर्ल्ड की नंबर वन जोड़ी, बट 10 मिलियन क्रॉस करते ही है तो पता मैं सबको क्या पीछे छोड़ चाहती हूँ देगी। कि ना कुछ ऐसा करिश्मा हो कि ना अमन का लाइव इतना ज्यादा भगवान कर इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाए कि एक दिन सिद्धनाज यानी कि शहनाज और सिद्धार्थ बोले जो आपके स्पीकर्स हैं हम उनसे मिलना चाहते हैं, मैं तो चला बाबू सीरियसली ऐसा होगा, ऐसा होगा, 100% भगवान होगा, हो जाए। क्योंकि अमन ने इस चीज को बढ़ाने में ना बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है। सही में, मतलब हम सब कहते हैं कि हम उसके फैन, उनके फैन है या जो भी है, लेकिन बट उस ट्रू अपने फैन जो है ना सपोर्टर वो अमन अमन है है। मतलब सच्चे उसने में। सबको देखो 2 साल तक जोड़ा रखा है, आज भी हम लाइव जी में उनकी बातें कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अमन, नहीं तो उस टाइम पे इतने एक्टिव थे, और आज सब कोई किसकी वो रिव्यू कर रहा है, कोई कहाँ चला गया, बट ये अभी भी स्टिक है उनके ऊपर। और आप देखो इसका लाइफ पॉजिटिव ही होता है, चाहे कमेंट्स देख लो, चाहे आप यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ लो, मतलब सारे 100% पॉजिटिव आती है, तो अरे क्यों नहीं होगा, इसकी मेहनत भी तो रंग लाएगी ना। अब जो कोई आ जाता है नेगेटिव, क्या लिख रही हैं आप, क्यों लिख रही हैं आप, ब्लॉक करिए आपको, वो बंदा ही भाग जाता है। तो पता मीन्स ये मुझे चीज अच्छी लगती है। है बाकी वैसे अमन का जो सिरनाज के लिए ना सेल्फलेस लव है, और हाँ सेल्फलेस लव कभी खाली नहीं जाता, मुझे ऐसा फील होता है। सही। और यार अब जैसे मैं हूँ आप हो, हम एक दूसरे को कभी जानते थे, मुझे तो पता भी नहीं था कौन है मुस्कान मोती नगर रहती होगी, आप मुझे जानते थे शिखा प्रीतमपुरा रहती होगी, और आज हम ये बातें भी कर रहे हैं कि हम पैसिफिक मॉल मिलेंगे। ये हाँ तो जी, ये मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि उन दोनों की डेस्टिनी से हम कितने लोग मिल गए, कोई हाँ। पाकिस्तान से है और कोई आप देखो कैनेडा से है। उन दोनों की डेस्टिनी से कितने लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन से बाहर निकले हैं, बाहर आ गए सच में, कितने लोग इंस्पायर हुए उनकी लाइफ से, जब वो सुनते कितने होंगे लोग कितना ऐसे खुश हैं होंगे। कि जो इतना पैनडेमिक होने के बाद भी बिल्कुल ठीक है जस्ट बिकॉज ऑफ देम। सीरियसली मैं, पता है एक बात बताऊं, सच
सलमान सर क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि दे बोथ आर रियल. अगर दिखावा होता ना तो वो भी कभी सपोर्ट ना करते. क्योंकि मुझे हाँ याद है वो इनकी बातें इतनी ध्यान से सुनते थे ना, और सलमान सर ने ये एंड टाइम तक बोली थी कि ऐसे ही रहना, कुछ मत होने देना. ये बात उन्होंने स्टेज पे बोली थी, और ये बहुत बड़ी बात होती है किसी कपल को कहना. और एक बार तो हाँ सलमान सर ने बोला भी था, सिद्धार्थ निभाओगे ना पूरा साथ? तो हाँ सिद्धार्थ आंखों में बोलता है कि हाँ, क्योंकि वो भी क्या बोले उसको भी एक्चुअली में ये जो ये जितने भी अच्छे बड़े पवित्र लोग थे, उसने उन्होंने भी तो इसका ब्रेन वॉश किया हुआ था ना, ये सब कैमरे के लिए फेक कर दिया. वो तो मैं कहती हूँ अच्छा हुआ कि शहनाज ने MSK किया, और इसने भी वीडियो देखी होंगी सारी कि कौन कैसा था कौन कैसा नहीं था. तो सिद्धार्थ ने तो सारी गेम देख ली होगी, अपना सब कुछ देख लिया होगा. फिर इसको लगा होगा कि ये तो बंदी सबसे लॉयल तो यही थी पूरे उसमें. एक बात बताओ, किसने ये क्लिप पर एक मारा? चीज नहीं, नहीं पर एक चीज मैं बताती हूँ, ठीक है। हम सारे कहते हैं MSK अच्छा था, वो कुछ कुछ लोगों के लिए जिनको डाउट था शहनाज के ऊपर, बट 90% लोगों को ट्रस्ट था। बिकॉज जब सिद्धार्थ सीक्रेट रूम गया था, ठीक है, तो 70% फैंडम वाले की हरकतें देखी थी, मम्मी देख लेगी की हरकतें देखी थी, है ना। और ये बंदी बीमार हो गई थी, तो वहां से लॉयल्टी नजर आई थी। हाँ, ये तो है, ये तो है. आप ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हो. मैं तो बस यही बोलूंगी कि जो प्यार सच्चा होता है ना और रियल होता है, उसको तो मालिक भी सबके आगे रंग लाता है. 100%। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि अमन का लाइव जो हार्डवर्क है वो भी रंग लाएगा, देखना एक दिन। यस यस, yes. सिन्हा चलो साथ हैं और खुश और हैं। थैंक खुश यू चलो सो मच मुस्कान जी, बाय. सिखा जी एंड जस्सी जी फॉर ज्वाइनिंग इन दिस लाइव। बहुत थैंक अच्छा यू लगा, अमन. बहुत अच्छा बोला आपने। थैंक चलो अब यू, मैं जा रही हूँ टेक केयर, बाय सोने के लिए. बाय, बाय। गुड नाइट. बहुत ही अच्छा लाइव था, संडे स्पेशल लाइव। आज संडे है और प्रातःकाल 4 बज चुके हैं इंडिया में इस वक्त, करेक्ट, और लाइव एंड हो रहा है, और ये लाइव यूट्यूब पर भी अभी सुन रहे होंगे लोग। कमेंट करके जरूर बताना आपको संडे स्पेशल लाइव कैसा लगा, कितना अच्छा फन कन्वर्सेशन था पूरे लाइव में, ओनली सिडनास की बातें विद क्यूटेस्ट मोमेंट्स ऑफ देम। थैंक्स टू सिखा जी, मुस्कान एंड जस्सी जी, ऑल थ्री ऑफ देम फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से थे ये तीनों लाइव में। कितना प्यारा लाइव था ये। लाइक जरूर करना अगर आपको ये लाइव पसंद आया, और कमेंट करके जरूर बताना आपको कौन कौन सी बातें अच्छी लगी, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना जरूर। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार। आप लोगों के लिए डेली लाइव डालता हूँ, एक भी दिन मिस नहीं करता, आप लोग जानते हो ये बात। तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज जरूर करना। थैंक यू।